हेलो एवरीवन क्या हाल चाल कैसे हो तो ये वीडियो जेई मेंस और जेई एडवांस दोनों बच्चों के लिए लक्ष्य और ब्रेनांजा में हम बीओसी से लेके लास्ट चैप्टर तक लेके आए हैं आप वीडियो को एंजॉय कीजिएगा कंप्लीट जितना भी सिलेबस है सब कुछ यहाँ कवर करा दिया गया है कई अलग अलग, अलग पार्ट्स आएंगे आज पहला पार्ट आ रहा है ऐसे करके सात आठ दस पार्ट आने वाले लास्ट चैप्टर प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तक ठीक है बेस्ट ऑफ लक यू ऑल आर वेरी वेरी वेलकम टू आईटेन एक्सप्लेन्स एक्सप्लेन्स में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है तो गाइज आप मुझे जानते हो मैं आपका अपना एम के सर बहुत बढ़िया से आपने जानते हो इस चैनल पर हमने किस तरह की वीडियोज दिए हैं और अनकैडमी प्लस पर मैं कैसे कोर्सेज लेके आता हूँ हमारे कुछ ऐसे कोर्सेज होते जो बड़े ही लेजेंडरी कोर्सेज हैं ये वो कोर्सेज हैं जिनको पढ़ के लास्ट ईयर तीन से ज्यादा बच्चे आई में पहुंचे थे और पंद्रह से ज्यादा सिलेक्शन आई और एन में लास्ट ईयर ही हमारे दो के बैचेस से हुआ और उसका पूरा क्रेडिट जाता है किस को ब्रांजा को और लक्ष्य को ये दो बैचेज ऐसे हैं जो हंड्रेड परसेंट श्रेय लेते हैं क्योंकि ये बैचेस ऐसे थे जिसको खास तौर पर डिजाइन किया गया था अब अगर मैं आपको बोलूं कि मैं पूरा ब्रिनाजा और लक्ष्य में आपको आज के इस वीडियो में देने जा रहा हूं तो सुनने में

कंप्लीट डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ फ्रॉम वेरी फर्स्ट चैप्टर टू लास्ट चैप्टर इन वीडियो तो पूरे हमारे साथ कनेक्ट हो जाइए पूरी एनर्जी जोश और जुनून के साथ आगे बढ़ने से पहले क्लासिकल स्टाइल में जो मैं पहले बोला करता था क्लोज योर आईज फॉर टेन सेकेंड एंड कनेक्ट विथ अस जुड़ गए हमारे साथ हमारी और आपकी एनर्जी लेवल बिल्कुल सिंग्रोनाइज हो चुकी है तो एकदम क्लासिकल वाइब्स के साथ चलिए स्टार्ट करते हैं ओके गाइस तो देखो सबसे पहले ये दो कोर्सेज हैं लक्ष्य और ब्रिनांसा बहुत ही फेमस कोर्सेज प्लस पे हमारे रहते हैं बहुत वेट लोगों को रहता है इस कोर्स का ये कोर्स हम स्टार्ट कर रहे हैं अभी ये क्या है मैं कुछ नहीं बताऊंगा आप लोग वीडियो जब खत्म आप कर दें जितने भी घंटे की वीडियो हो तो बताइएगा आपको ये कैसा लगा ठीक है तो हम स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट चैप्टर के साथ और हमारा फर्स्ट चैप्टर है बी एंड आई BOC का मतलब बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जिसमें डिग्री ऑफ अनचुरेशन सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड हाइब्रिडाइजेशन वो आता है और आई तो आप जानते हो ठीक है स्टार्ट कर रहे हैं तो ये हमारा लेक्चर वन होने जा रहा है यहां देखिएगा आप बहुत ध्यान से लेक्चर वन है पहले क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं बी का मतलब ब्रिनाजा वन सम ऑफ द नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड एंड एसपी हाइब्रिडाइज्ड एटम प्रेजेंट इन द लीनियर मॉलिक्यूल ऑफ ट्राई एसिटलीन इज तो सबसे पहले ना ठीक है, है।, है अब हमको सवाल में क्या बोला गया नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स आ जाओ इसमें सिग्मा ढूंढते हैं पहले तो यहां से देखो क्या हो गया ये वाला आपका एक सिग्मा है इसके बीच से एक सिग्मा निकलेगा यहां से एक सिग्मा है यहां से एक सिग्मा, यहां से एक सिग्मा निकलेगा यहां से एक सिग्मा है यहाँ से एक सिग्मा निकलेगा और यहाँ से एक सिग्मा निकलेगा तो देखिए कितने हो गए एक दो तीन चार पाँच सात देख लीजिए एक दो तीन चार पाँच सात तो टोटल मिला के यहाँ पे सेवन सिग्मा बॉन्ड्स हो गए कुल अच्छा फिर बोला गया एसपी हाइब्रिडाइज एटम इसमें कितने एसपी हाइब्रिडाइज्ड एटम है देखिए वन टू तो, थ्री फोर फाइव सिक्स टोटल मिला के छ इसके अंदर जो है वो एसपी हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है तो दोनों का सम पूछा गया था तो थर्टीन हो जाएगा तो पहला जो क्वेश्चन है इसका आंसर तेरा हो गया देखिए बीओसी बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सवाल है अब यहां आपको पता क्या क्या होना चाहिए था ट्राईसिटलिन क्या होता है तो आपको पता है कि एक एसिटलीन जो अपने को दिखता है वो ऐसा दिखता है तो अगर हम ट्राईन की बात करें तो तीन को कंबाइन कम कर देंगे देखिए पहला दूसरा तीसरा और यहां से एच एच लगा दिए अब गिनती कर लीजिए सात सिग्मा बॉन्ड आगे और यहां से आपके पास एक दो तीन चार पांच छह जो है एसपी हाइड्राइज कार्बन है तेरा करेक्ट आंसर हो गए पाई भी पूछा जा सकता था जो भी था अभी एसपी कैसे चेक करते हैं जिसमें दो पाई बॉन्ड हो ठीक है तो यहां दो पाई बॉन्ड एसपी 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 एस पी, एस पी, एस पी करेक्ट आंसर क्लियर है सबका नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए अब देखिए आपको पता है में ना मैं बीच में प्रीवियस क्वेश्चन इंट्रोड्यूस करता जाता हूं ताकि रिलेवेंसी आपने क्वेश्चन पढ़ा आपको लग रहा होगा ऐसा क्वेश्चन थोड़ी ना जेई में आता होगा देखो जेई में दो क्वेश्चन है जेई 2012 और जेई 2002 का पहला क्वेश्चन है कि जो एलिन है ना सी इसमें किस टाइप का हाइब्रिडाइजेशन जो होता है वो कार्बन आइटम के पास होता है तो देखो एलिन लिखा हुआ है सी अब ये बच्चा ऐसा होता है सी डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड सी एच टू इसी को बुलाते हैं एलिन ठीक है अब देखो इसमें पूछा हाइब्रिडाइजेशन कैसा होगा मैंने जस्ट आपको बोला दो बॉन्ड अब दो बॉन्ड जैसे ही आ जाता है वो एसपी हो जाता है तो बीच वाला कार्बन sp है ये वाला कार्बन sp2 टू है और ये वाला कार्बन हमारा sp2 है तो पूछा गया था कैसा हाइब्रिडाइजेशन कार्बन के पास है sp है या sp2 है सो bザ करेक्ट आंसर अब iit jee 2002 पे आओ इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज द अंडरलाइन कार्बन इज हैविंग sp3 हाइब्रिडाइजेशन आओ चेक करते हैं sp3 सबसे पहले एसिटिक एसिड है CS3 है, COOH है। देखो यहां पर एक bond है, तो एक बॉन्ड का मतलब कार्बन क्या हो गया एस पी टू हो गया यहां से आइए तो तो यहां, 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 यहां पर भी देखिए एक बॉन्ड है तो ये कार्बन एसपी टू हो गया क्वेश्चन में पूछा गया था अंडरलाइन होना चाहिए एसपी थ्री सो इज द करेक्ट आंसर तो हाइब्रिडाइजेशन वाले क्वेश्चंस भी जेई में पूछे जाते हैं जो आपने जस्ट देखे ठीक है नेक्स्ट अब आइए बोला गया है कि दी आई नेम ऑफ द गिवन हाइड्रोकार्बन इज दिए गए हाइड्रोकार्बन का ना आई नेम क्या होगा ठीक है चलो ट्राई करते हैं बड़ा प्यारा सा सवाल है टू का आप लोग खुद से भी कोशिश करिएगा वीडियो को रोक रोक के अब देखो इसमें हमको क्या करना है सबसे पहले तो देखो यहां पर ट्रिपल बॉन्ड है यहां से डबल बॉन्ड है अब आप बोलोगे डबल बॉन्ड को पहले प्रायोरिटी देंगे तो गलती हो जाएगी क्योंकि डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी तब देते हैं जब किसी भी तरफ से हम नंबर दे रहे हो सेम नंबर आ रहा हो मतलब मल्टीपल बॉन्ड को एक ही जैसे जब नंबर मिल रहे होते हैं तब डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी ज्यादा दी जाती है पर यहां पर ऐसा हो रहा है क्या नहीं यहां से ट्रिपल बॉन्ड फटाफट दो आगे मल्टीपल बॉन्ड यहां से अगर चलते हैं तो मल्टीपल बॉन्ड यहां मिलेगा या यहां से चलते हैं तो यहां मिलेगा दूरी बढ़ गई तो अपन ऐसे चलेंगे वन टू थ्री फोर फाइव

और सात नंबर पे इन है तो ऑक्ट सेवन इन और एक तीन पे डाई आइन है पहला वाला गलत है दूसरा भी गलत है तीसरा भी गलत है ये वाला सही नजर आ रहा है कैसे सही नजर आ रहा है देखो सबसे पहले इन आता है उसके बाद आइन लिखते हैं जब भी नाम लिखते हैं किसी का भी तो आपको पता होगा एल की नाइन लिखा जाता है एल की नाइन पहले आता है इन इसके बाद आता है आइन तो देखो सिक्स पे हमारे पास इथीनाइल है पांच सात पे डाई मिथाइल है ऑक्ट है सात पे इन है और एक तीन पे डाई डाईन है एकदम परफेक्ट है विनाइल यहां ठीक लिखा गया पर विनाइल को जनरली प्रायोरिटी नहीं देते दिक्कत यहां ये यह हो गई है कि ऑक्टा के बाद इन्होंने पहले ही डाई आइन ला दिया है और बाद में ईन लाया पहले होना चाहिए इन और बाद में होना चाहिए डाई आइन होना चाहिए क्योंकि डाई ट्राई का वो नहीं अल्फाबेट वाला चेक नहीं हो रहा होता है तो यही वाला पूरा का पूरा केस है क्लियर है सबका ठीक है कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ठीक है नेक्स्ट पे आते हैं अब देखिए जैसा मैंने क्वेश्चन कराया तो आप प्रीवियस ईयर भी चेक कीजिए अब पहला सवाल जो है सोचो 2019 में ऐसा पूछा गया। क्या अगर मैं यहां से चलता हूं तो एक पे ट्रिपल आता है और अगर मैं यहां से चलता हूं तो एक पे डबल आता है तो डबल को प्रायोरिटी अभी ज्यादा देनी होगी क्योंकि एक ही तो डबल एक ही ट्रिपल है तो डबल को प्रायोरिटी दे रहे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन हम उधर नहीं जा सकते ठीक है क्योंकि हम मल्टीपल बॉन्ड को डबल ट्रिपल को प्रायोरिटी पहले देना है तो आप देखो क्या क्या हो गया देखो तीन नंबर पे और पांच नंबर पे मिथाइल है और चार पे प्रोपाइल है तो एम एन ओ पी पहले आएगा मिथाइल तो थ्री फाइव डाई मिथाइल फोर प्रोपाइल हेप्ट वन इन सिक्स आइन देखो क्या हुआ सही बोला मैंने तीन नंबर पे और पांच नंबर पे डाई मिथाइल है थ्री फाइव डाई मिथाइल चार नंबर पे एक दो तीन प्रोपाइल है चार पे प्रोपाइल सात की पीसी है तो हेप्ट हो गया एक पे इन है तो वन इन हो गया और छ पे आईन है सिक्स आईन चूंकि ये ए ई आई ओ यू वाई से स्टार्ट होता है तो पीछे का वोवेल खत्म हो जाता है तो डी इज द करेक्ट आंसर क्लियर है बच्चों नेक्स्ट पे आओ अब बोला गया है व्हाट इज द आई नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड अभी इसमें हम क्या कर सकते हैं सोचो देखो इसमें कोई फंक्शनल ग्रुप तो है नहीं डबल बॉन्ड को ही प्रायोरिटी देनी है नीचे से चलते हैं तो एक दो तीन पे आता है डबल बॉन्ड और यहां से चलते हैं तो दो पे आता है तो दो पे चलना अच्छा है तो तीन यहां से चार यहां से पांच चार पे आ गया ब्रोमो और तो टोटल मिला के पांच कार्बन है और तीन पे मिथाइल है तो चार ब्रोमो तीन मिथाइल कहां पे चेक करो पहला वाला गलत है दूसरा गलत है तीसरा गलत है चार ब्रोमो थ्री मिथाइल और पांच के लिए हो गया पेंट तो दो नंबर पे डबल बॉन्ड है पेंटीन देखिएगा दो क्वेश्चंस जो हैं दोनों के दोनों क्वेश्चन जो है डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड के ऊपर बेस्ड है और 19 में ही पूछे गए रिसेंट दो साल पुरानी तीन साल पुरानी बात है तो ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं पूछे गए थे दोनों सही हुआ होगा समझ में आ रहे Next अच्छा अब ये क्वेश्चन बड़ा ही यूनिक क्वेश्चन है मैं चाहूंगा पहले आप इसको ट्राई करो खुद से बड़ा खूबसूरत सा सवाल है विच ऑफ दी फॉलोइंग ऑर्गेनिक कंपाउंड विल हैव है हाइएस्ट बॉइलिंग पॉइंट अब ये बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बॉइलिंग पॉइंट का सवाल है कि, कि किसका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा हाइएस्ट होगा बेटा बॉइलिंग पॉइंट जो होता है ना ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके ऊपर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस के ऊपर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। जितना ज्यादा इंटरमोलिकुलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन लिख देता हूं पूरा जितना ज्यादा इंटरमोलिकुलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन होगा उतना बढ़िया है अब यह इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कई तरह की हो सकती है हो सकता है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग काम कर रहा हो हो सकता हो कि डायपोल डायपोल काम कर रहा रह हो सकता है होने को क्या नहीं हो सकता डायपोल डायपोल काम कर रहा रह हो सकता है कि आयन डायपोल काम कर रहा हो सकता है कि डायपोल इंस्टेंटेनियस डायपोल काम कर रहा हो बहुत तरह के इंटरमोलिकुलर फोर्सेस काम कर सकते हैं कई तरह के फोर्सेस यहां पर बिल्कुल पॉसिबल हो सकते हैं ठीक है अच्छा अब देखिए यहां पर जो भी कंपाउंड है मास लगभग में एक जैसे ही है है ना कुछ के मास कम है तो वैसे ही पीछे हो गए पर मैं आपको पूरा समझाता हूं मैटर क्या है यहां पे देखो कौन कितना हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकता है पहले वो चेक करो सी डबल बॉन्ड हो सी डबल बॉन्ड हो और यहां से एच है ये रहा पहला मैं एक एक करके इन सारे स्ट्रक्चर को अच्छे से ड्रॉ कर दे रहा हूं अब देखो यहां से हो गया सी डबल बॉन्ड हो सी डबल बोन्ड ओ और एच यहां से हो गया ओ और एच तीसरा हो अब देखो यहां से हमारे पास ओ OH एच है और यहां से भी ओ OH एच है चौथे में आओ यहां से सी डबल बॉन्ड हो सी डबल बॉन्ड हो ओ OH एच है और यहां से एनएच टू है अब देखो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कौन कितना बना पाता है इसको एक्सटेंसिवनेस बोला जाता है देखो तो यहां से एक दो लोन पेयर की वजह से तीन चार पांच छ सात आठ अगर आप देखोगे तो एक दो तीन चार पांच छ सात आठ आठ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन रही है अगर हम इस नाइट्रोजन के साथ भी बनाना चाहें तो यहां से भी बन सकती है लोन पेयर की वजह से ये लोन पेयर भी किसी के एच के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकता है तो इसकी जो एक्सटेंसिवनेस आ गई है कितनी एक्सटेंसिवनेस आ गई नो आ गई ठीक है अब आइए सेकेंड में देखिए यहां से क्या होगा एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ दस क्योंकि तो ऑक्सीजन दो बना सकता है दो लोन पेयर इसके पास है तो यहां से जो एक्सटेंसिवनेस इसकी नजर आ रही है वो कितनी नजर आ रही है 10 आ रही है 10 एच बॉन्डिंग का एक्सटेंसिवनेस है इसकी तो बात ही मत कीजिए इसका मास बहुत ही कम है तो इसको छोड़ ही देते हैं इस पे फोकस ही नहीं करेंगे यहां से आइए तो देखिए यहां से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आप देख लीजिए तो यहां से कितने हो गए आपके पास एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस दस हो गए अब एक्सटेंसिवनेस दो केसेस में एक जैसा नजर आ गया किस में देखिए ऑप्शन नंबर सेकंड में और ऑप्शन नंबर फोर में आप कैसे कंपेयर करेंगे जी हाँ अब देखिए यहां जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो एन बना रहा है और इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग ओ एच बना रहा है तो जब एक्सटेंसिवनेस सेम हो जाए तब हम क्वालिटी चेक करते तो ओ OH एच की हाइड्रोजन बॉन्डिंग बड़ी पावरफुल होती है एनएस के कंपैरिजन में दैट्स वाई हमारा विनर कौन हो गया हमारा विनर बी हो गया जो ऑक्सैलिक एसिड है इसीलिए आप देखिएगा कि ये व्हाइट पाउडर के तौर पे पाया जाता है बड़ा ही कमाल का था एक्सटेंसिवनेस चेक करना था तो जब भी बॉइलिंग पॉइंट आए तो ऐसा फैक्टर चेक कीजिए यहां पर हम एच बॉन्डिंग चेक कर रहे थे जितना ज्यादा एच बॉन्डिंग उतना बढ़िया है और अगर एक्सटेंसिवनेस सेम हो जाए तो जितनी बढ़िया पोलैरिटी आएगी उतना बढ़िया होगा राइट नेक्स्ट अब आइए अब देखिए दो क्वेश्चन है जेई दो और दो का सवाल है अपन इसको ट्राई करेंगे तैयार तो ना सारे बच्चे इडेंटिफाई दी करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट पूछा गया देखो मास लगभग में एक जैसा है लेकिन आपको पता है कि एसिड जो होते हैं वो एल्डिहाइड एल्कोहल इन सब से मच 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 क्या होते हैं हाई बॉइलिंग पॉइंट पे उबलते हैं रीजन क्या होता है इसमें बहुत स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है और कई बार तो ये डायमर के फॉर्म में भी नजर आते हैं कुछ इस तरीके से सी डबल बॉन्ड हो ओ और एच यहां से आर है देखिए यहां से इस तरीके से एक लॉकिंग भी देखने को मिलती है तो लॉकिंग एंड एच बॉन्डिंग स्ट्रोंग एच बॉन्डिंग अगर ये लॉक नहीं भी है तो इसी वजह से मैक्सिमम जो होगा वो तीन में होगा फिर एल्कोहल एल्कोहल में क्या होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाया जाता है लेकिन एल में क्या होता है यहां पर डायपोल डायपोल इंट्रैक्शन है और आपको पता है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होती है वो डायपोल डायपोल इंट्रेक्शन से ज्यादा मजबूत होती है स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म में तो पहले आएगा तीन फिर आएगा एक फिर आएगा दो तो तीन एक दो बी इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट पे आओ 2009 का क्वेश्चन है एसिड ये गलत स्टेटमेंट है, है बता रहा हूं कैसे देखो यहां पैरा हाइड्रोक्सी बेनजोिक एसिड है देखो यहां से सीओ है और यहां पे पैरा -पे हाइड्रोक्सी है और एक में ना ऑर्थो हाइड्रोक्सी है यहां पे सीओ ओएच है और यहां पे ओएच OH है अब हो क्या रहा है आपको पता है जो ऑर्थो वाला फॉर्म होगा इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाएगी अब जब इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाएगी तो इंट्रा इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है पता है है रीजन क्या है? कि अगर ये आपस में ही व्यस्त हो जाएगा तो अपने जैसे दूसरे भाई बंधु के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं कर पाएगा लेकिन पैरा में ऐसा नहीं होता पैरा वाला ये दूसरे के साथ जाएगा ये दूसरे के साथ जाएगा वो किसी और के साथ जाएगा ये किसी और के साथ जाएगा और बिल्कुल लेटर के जैसा सीढ़ियों के जैसा हाइड्रोजन बॉन्डिंग से सज जाएगा तो पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो लोअर नहीं एक्चुअली में हाइयर होना चाहिए था उल्टा लिख दिया है ठीक है अच्छा स्टेटमेंट टू हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड हैज अ इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जी हा बात तो सही है कि इसमें इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है ये करेक्ट है तो स्टेटमेंट वन इज इन करेक्ट एंड स्टेटमेंट टू इज करेक्ट सो डी इज द करेक्ट आंसर क्लियर हो रहा है बात समझ में आ रही है आपको ये कैसे काम कर रहा है इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो था वो ऑर्थो वाले फॉर्म में होने की वजह से बॉइलिंग पॉइंट कम हो गया पैराहाइड्रोक्सी के केस में आपका इंट्रा इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं था वहां इंटरमोलिकुलर काम करेगा और जैसे ही इंटरमोलिकुलर काम करेगा वो ढेर सारे मोलिकुल के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकता है दैट्स वाई क्या हो रहा है ये पहला वाला स्टेटमेंट रॉन्ग है और दूसरा वाला करेक्ट है क्लियर है नेक्स्ट अब आइए अब एक बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है इसमें बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को मिक्स किया गया है एवरीडे लाइफ के साथ पर बीओसी सी का पहला चैप्टर का ही क्वेश्चन है बोला गया है कि कोकेन इज अ वेरी पावरफुल ड्रग हैविंग केमिकल फॉर्मूला सी सेवनटीन एच ट्वेंटी वन एनओ फोर विच ऑफ दक्चर अब स्ट्रक्चर जानने की जरूरत नहीं है आपको बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री लगा के पता करना है कि कोकीन का स्ट्रक्चर कौन सा हो सकता है आ जाओ फिर चलो देखते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है इस फॉर्मूला से डी निकालो तो देखो फॉर्मूला क्या है सत्रह इक्कीस एन फोर तो सी सत्रह एच इक्कीस और एन ओफर है तो हम सबसे पहले इसका ड्यू निकालते हैं डिग्री ऑफ अनसेन ड्यू इज इक्वल टू क्या होता है कार्बन प्लस वन माइनस एच प्लस एक्स माइनस एन बाई टू राइट अब देखो कार्बन कितने हो गए सत्रह सत्रह प्लस एक अट्ठारह हो गए माइनस हाइड्रोजन कितने हो गए इक्कीस एक्स हो गए जीरो और एन हो गए माइनस वन बाई हो गए टू तो यहां से कितने हो गए सत्रह एक अठारह हो गए और माइनस यहां से कितने हो गए बीस बाय दो दस हो गए डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन कितनी आ गई आठ आठ डी है अब चेक करो यहां से एक दो तीन चार चार और पांच छह सात सात है गलत हो गई यहां से यहां से चेक करो एक दो तीन एक रिंग चार यहां से एक पांच और दो रिंग यहां से सात ये भी गलत हो गई एक दो तीन यहां से चार और यहां से पांच और छह तो ये भी गलत हो गई चार पांच सॉरी माई बैड एक दो तीन चार पांच छ और सात सात फिर से रॉन्ग हो गई यहां से गिनो बचता है ये एक, दो, तीन, तो यहां से हो गए तीन पाई बॉन्ड और एक रिंग चार यहां से हो गए पांच यहां से हो गए छह और दो आठ इसका ड्यू एट हो गया बेटा ड्यू इज इक्वल टू क्या होता है नंबर ऑफ पाई पाईबोंड प्लस नंबर ऑफ रिंग मैं लिख दे रहा हूं यहां पे लिखो ड्यू इज इक्वल टू नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स प्लस नंबर ऑफ रिंग्स दोनों को ऐड कर दीजिए आंसर आ जाएगा ठीक है तो यहां से वही करना था आपको वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स और दो यहां से एट तो ड्यूज इक्वल टू एट इसका ड्यू सेवन है इसका ड्यू सेवन है इसका ड्यू सेवन है सिर्फ इसी का ड्यू एट है आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है डी इज द करेक्ट आंसर ठीक है तो यहां आपसे ये नहीं जानने की वो कोशिश कर रहे थे कि आपको कोकिन का स्ट्रक्चर पता है एनसीआर से या नहीं NCRT में स्ट्रक्चर हालांकि गिवन है पर हमको यहाँ चेक ये यह करना था कि आप किस तरीके से इस स्ट्रक्चर को प्रिडिक्ट कर सकते हैं कैसे सोच सकते हैं और इसी का नाम तो कॉम्पिटिशन है ये चेक करवाता है आपको कि आपका दिमाग कितना चीजों के हिसाब से ढल पाता है राइट right? नेक्स्ट ओके okay टी ये आईआईटी दो एडवांस 2020 का सवाल है आपको लग रहा होगा डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन वगैरह जई में पूछा जाता है क्या देखिए जई में साफ लिखा गया है 2020 में डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन क्यू का क्या होगा हालांकि यहां पे थोड़ी सी मैका भी लगेगी पर ड्यू निकालना है चेक कीजिए कॉन्ग एस्टू से फोर है कलर्ड कंपाउंड बना रहा है बताओ क्या होगा सोचो 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 देखो तो सबसे पहले ये बेंजीन है ठीक है नीचे में भी एक फिनाइल बेंजीन है मैं पी लिख रहा हूँ यहां से भी एक पीएच है ठीक है यहां से देखो क्या है सी डबल बोन्ड ओ है यहां से ओ है और यहाँ से सी एस थ्री है और यहां से आपको कुछ ऐसा नजर आ रहा है ठीक है परफेक्ट अब हम क्या कर रहे होंगे कॉन्केच टू एसओ फोर आएगा यहां पर एच लगेगा यहाँ पॉजिटिव आ रहा होगा ये यह यहाँ से मिथेनॉल हट जाएगा इससे तुम्हारा एक इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा है ना ये थोड़ा सा मैकेनिज्म है पर डोंट वरी डी का केस है अपन डी को चेक कर रहे हैं यहां से पी एच है यहां से पी एच है और यहाँ से सीओ पॉजिटिव आपका यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज यहां ओ आ गया ठीक है और यहां से इस तरीके से बेंजीन लगा हुआ है अब ये यह यहां से कंबाइन हो जाएगा और साइकिल आपको दिखेगी अब देखिए आपको कैसा दिख रहा है ये कुछ आपको ऐसा दिखेगा यहां पर पी लगा हुआ है यहाँ पीएच है ठीक है यहां से देखो सी डबल बॉन्ड ओ है और यहां से इस तरीके से आके कंबाइन हो गया फाइव रिंग अब ड्यू निकाल लो आपको पता है कि बेंजीन रिंग जो होती है इसका ड्यू चार होता है क्योंकि इसमें तीन पाई बॉन्ड है और एक रिंग है तो इसका डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन चार हो गया तो देखिए चार यहां से चार यहां से चार यहां से चार यहां से तो टोटल मिला के कितने हो गए चार देखो सोलह सोलह डी यू तो यहीं पे हो गया ठीक है अब देखो यहां से एक रिंग और एक पाई बॉन्ड तो दो सोलह प्लस दो इज इक्वल टू तो अठारह तो इसका डिग्री ऑफ अनसेशन कितना हो गया एटीन हो गया आई बात समझ में तो ड्यू इज इक्वल टू होता है बेटा नंबर ऑफ पाई बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ रिंग्स हमने क्या किया इस वाले एस्टर को H2SO4 टू फोर डाला हमने और इसको हटा दिया मिथेनोल गायब हो गया यहां से आया आपके पास एक का यह कन्वर्ट हो रहा है जस्ट पूरा -पूरा लाइक like आप फिल्ड क्राफ्ट एलकाइलेशन या साइलेशन देखते थे कुछ उसी तरह का ये केस था 18 करेक्ट आंसर है ठीक है नेक्स्ट अच्छा अब ये क्वेश्चन बहुत शानदार है बोला गया है दी हाइएस्ट डाइपोल मोमेंट इज एक्सपेक्टेड फॉर द फॉलोइंग मॉलिक्यूल किस मॉलिक्यूल में आपको लगता है कि डायपोल मोमेंट जो होगा वो सबसे हाइएस्ट होगा ट्राई करते हैं देखो डायपोल मोमेंट क्या होता है आपको पता है चार्ज इंटू डिस्टेंस को अपन डायपोल मोमेंट बोलते हैं अब देखो चार्ज जितना ज्यादा हो उतना बढ़िया है डिस्टेंस ज्यादा हो तो भी बढ़िया है पर डिस्टेंस बढ़ाने के चक्कर में चार्ज को ही गायब कर दे ये सही नहीं है तो आइए चेक करते हैं सबसे पहले इसको देखिएगा आपको मैंने शॉर्टकट भी बताया कि इस डबल बॉन्ड को रोटेट कीजिए और देखिए एरोमेटिसिटी आ रही कि नहीं आ रही यहां डबल है यहां से आएगा प्लस और यहां पे आएगा माइनस अगर आप चाहते तो इसको ऐसे ले जाके रोटेट कर देते तब आपके पास कुछ ऐसा ही सीन बनता यहां से देखो इस तरीके से आता पॉजिटिव और यहां से ओ के ऊपर नेगेटिव आता अब अगर अपन इसको लिखना चाहते तो यहां पर पॉजिटिव को घुमा देते यहां ओ पे माइनस आ जाता यस एक डायपोल बन रहा है विदाउट एनी डाउट यहां पर एक डायपोल का फॉर्मेशन हो रहा है तो अच्छी बात है डायपोल बन रहा है वेरी गुड अब आइए आप चेक करते हैं तो यहां पर पॉजिटिव और नेगेटिव है तो दो चार्ज इस तरीके से काम कर रहे हैं यहां पर पॉजिटिव है यहां नेगेटिव है बीच में कुछ डिस्टेंस से अलग अलग है तो डायपोल मोमेंट जो हो जाएगा ये जो प्लस माइनस का मैग्नीट्यूड आप ले लीजिए और यहां से डिस्टेंस से इंटू कर दीजिए ठीक है अब बी में आइए अब देखिए यहां पर आपको एज्युल टाइप के सिस्टम दिख रहे हैं अब आप जरा सा सोचो कि अपन अगर इसको घुमाएं अगर मान लो कि इसको आगे लाते हैं और इसको यहां से ऐसे कर देते हैं तो ये सेवन मेंबर रिंग कुछ ऐसा नजर आ रहा होगा यहाँ डबल बॉन्ड हो गया यहाँ डबल बॉन्ड है यहाँ डबल बॉन्ड है यहां से ओ एम ई आ गया है यहाँ से पॉजिटिव चार्ज आया है यहां से आके चेक करो अब देखो यहाँ पे क्या हो गया ये आपका अच्छा ये यह यहां आया तो ये उठ के बाहर निकला है तो यहाँ पे माइनस आ गया है यहाँ डबल बॉन्ड है और यहाँ पे साइनाइड है अब बच्चों आप लोग बहुत बढ़िया से जानते हो कि अगर सेवन मेंबर ड्रिंग अपन ऐसे बनाते हैं इस इसपे पॉजिटिव देते हैं तो ये क्वासी एरोमेटिक या एरोमेटिक हो जाती है ठीक है उसी तरह से अगर फाइव मेंबर रिंग देते हैं और इस पर नेगेटिव देते हैं तो ये भी एरोटिक हो जाती।, हो जाती है देखो यहां से ये aromatic है ये भी aromatic है भी तो हम क्या कर सकते हैं क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं यहां पर पॉजिटिव और यहां नेगेटिव घूम रहा है यहां से साइनाइड लगा हुआ है यहां से ओ एम ई लगा हुआ है अब देखो फायदा है या नुकसान है क्या ये ग्रुप्स हमको सपोर्ट कर रहे हैं देखो ओ एम ई क्या करता है प्लस एम लगाएगा और ये पॉजिटिव मेसोमेरिक लगा के इस पॉजिटिव वाले रिंग को स्टेबल बनाएगा साइनाइड जो है माइनस आई और माइनस एम लगाएगा इससे फाइव मेंबर रिंग जो है वो स्टेबल होगी तो जब ये रिंग स्टेबल होगी तो चार्ज सेपरेशन को ज्यादा मोटिवेशन और सपोर्ट मिलेगा तो मेरी बात समझ रहे हो अगर मैं ओ एम ई को लगा दू सेवन मेंबर रिंग में तो ये प्लस एम लगाएगा इससे पॉजिटिव चार्ज की स्टेबिलिटी बढ़ेगी मतलब पॉजिटिव चार्ज को बनने में मदद मिलेगा अगर आप ऐसे नहीं समझ रहे हो तो आप ऐसे समझो कि जब ऑटोमेटिकली ये दो रिंग लगे थे तो चार्ज सेपरेशन कैसे काम कर रहा था सोचो जरा सा सोचो अगर ये दो रिंग आपस में कनेक्टेड थे तो माइनस यहां घूम रहा था प्लस यहां घूम रहा था तो अगर मैं इसमें कोई इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगा दूं और इसमें कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ग्रुप लगा दूं तो चार्ज सेपरेशन को ये क्या कर विड्रोइंग सपोर्ट कर रहे क्योंकि ये लगने की वजह से पॉजिटिव जो क्या हो रहा है स्टेबल हो पा रहा है और नेगेटिव भी स्टेबल हो पा रहा है तो चार्ज सेपरेशन आसानी से हो जाएगा आई बात समझ में और डायपोल मोवमेंट मैक्सिमाइज होने लग जाएगा तो मैक्सिमम डायपोल मोवमेंट इधर दिखेगा हमको ठीक है बाकी अब दिक्कत क्या हो जाएगी इस वाले केस में देखो अब देखो जैसे ही हम चाहेंगे चार्ज सेपरेट कराना अगर हम ऐसा चाहे कि भाई एक काम करो ना तुम डायपोल में कन्वर्ट हो जाओ अगर मैं इसको बोलता हूं सुनो ना कि तुम प्लस माइनस में चले जाओ और मैं यहां से लगा दू साइनाइड और यहां से लगा दूमई अब देखो आतंक और खौफ कितना है अगर साइनाइड लगाऊंगा तो प्लस बोलेगा माफ कर दो महाराज हमको प्लस बनने मत दो साइनाइड लगा हुआ है बहुत डांट पड़ेगी बड़े जूते पड़ेंगे तो साइनाइड बोलेगा अच्छा ठीक है तो फिर प्लस नहीं आएगा माइनस को जैसे ही माइनस लगाएंगे माइनस बोलेगा क्षमा कीजिए महाराज हम ओ एम ई है हम तो चार्ज डेंसिटी बढ़ाते हैं तो इसके वजह से अनस्टेबलाइज हो जाएगा सिस्टम तो ये डायपोल बनने की कोशिश नहीं करेगा तो यहां पे क्या होगी अनस्टेबल चार्ज सेपरेशन होगी यहां पे अनस्टेबल चार्ज सेपरेशन और जब चार्ज सेपरेशन ही अनस्टेबल होगी तो अपना भाई डायपोल बनाने की कोशिश नहीं करेगा तो यहां पे डायपोल म्यू जो होगा वो लेस होना स्टार्ट हो जाएगा ठीक है अच्छा डी में आइए डी में भी अच्छा खासा डायपोल दिखेगा पर यहां पर कोई ऐसा फैक्टर नहीं है जैसा डिस्टेंस वाला फैक्टर यहां पर यहां पर भी आपको डायपोल मोमेंट नो डाउट दिखेगा यहां से आएगा प्लस यहां से आएगा माइनस पर स्टिल अगर हम बात करें बेस्ट ऑफ बेस्ट कौन है तो बी हमारा बेस्ट ऑफ बेस्ट हमको नजर आ रहा है बी में सबसे ज्यादा होगा ऑर्डर की बात कीजिएगा तो एक्सपेरिमेंटली मैंने जो डेटास देखे उसमें दिखे फिर डी दिखे फिर जाके सी दिखे तब जाके ए दिखे तो ये छोटी सी बात है दिमाग में रखिएगा हालांकि बहुत ज्यादा डिफरेंस ए और सी के बीच में नहीं है तो आपको ऑर्डर कभी भी नहीं पूछेगा ऐसा वाला तो चिल मारो ऑर्डर नहीं आएगा सबसे ज्यादा निकालना है तो बी इज द करेक्ट आंसर बहुत बढ़िया कॉन्सेप्टअल क्वेश्चन था जरूर नोट कीजिए ठीक है नेक्स्ट अब हम आते हैं जेई मेन्स टू थाउजेंड फोर्टीन के क्वेश्चन पे तो ये हमारा जो है पी एट है पीवाई क्यू आठवा बोला गया है फॉर विच ऑफ दी फॉलोइंग मॉलिक्यूल सिग्निफिकेंट म्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो मतलब बताओ कि कहां पे ना म्यू जो है वो जीरो नहीं है देखो क्लो सीएल ग्रुप जो है आपको पता है ये एकदम लीनियर वाली चीजें हैं ये ऊपर की तरफ खींच रहा है ये नीचे की तरफ खींच रहा है एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दिया म्यू इज इक्वल टू जीरो साइनाइड में भी ऐसा ही हो रहा है अगर तुम बहुत ध्यान से देखोगे तो ये ऐसा है सी ट्रिपल बॉन्ड एंड सी ट्रिपल बॉन्ड एन अब ये ऊपर की तरफ खींच रहा है ये नीचे की तरफ खींच रहा है एक दूसरे को कैंसिल कर दिया म्यू इज इक्वल टू जीरो अब ओ OH और एस में ऐसा नहीं होता है मैंने आपको रोटामर्स का कॉन्सेप्ट भी बताया लोन पेयर मोमेंट का कॉन्सेप्ट भी बताया है. ये ओ OH है ये ओ OH है ये लोन पेयर है ये लोन पेयर है अब होता क्या है कि ये वाले जो बॉन्ड है ना ये कॉन्टिन्यूसली रोटेट करते रहते हैं और हर बार ये अपना जगह और पोजीशन बदलते रहते हैं तो जब जब ये जगह और पोजिशन बदलते हैं तो कभी एच यहां पे ऐसे करके घूमता रहता है तो जैसे आप फिजिक्स में इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात करते हैं वैसे यहां पर इंस्टेंटेनियस डायपोल मोमेंट होता है मिलियंस में से एक पॉसिबिलिटीज होती है कि जब ये दोनों के दोनों एक दूसरे को काट दे जो कि बहुत कम या ना के बराबर है इसीलिए जो भी नॉन लिनियर अलाइनमेंट वाले ग्रुप्स होते हैं उनका जो डायपोल मोमेंट है नॉन जीरो होता है इसीलिए इसका म्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो होगा सिमिलरली यहां पर भी लोन पेयर है एंड ड्यू टू लोन पेयर इसका भी म्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो होगा मैंने पूरी एक वीडियो बनाई है आप डायपोल मोमेंट का चेक कर सकते हैं कि अगर ओ एच ओ एच लगा हो ओ एच एन एच टू लगा हो एन एच टू एन एच टू लगा हो ओ एच एस एच लगा हो एस एच एस एच लगा हो एस एच एन एच टू लगा हुआ हो जो भी लोन पेर वाली चीजें आएंगी ना पूरा का पूरा मामला खराब हो जाएगा तो बोला गया था तीन और चार और सवाल में बोला गया था किसका म्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो होगा तो तीन और चार का म्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो है मतलब ये सारे जो है वो पोलर कैटेगरी के अंदर आएंगे क्लियर है सबका एकदम चमक गया तो नेक्स्ट वाओ हाउ मेनी ऑफ द गिवन मॉलिक्यूल विल हैव द सेम डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन इसमें से कितने ऐसे मॉलिक्यूल हैं जिसका डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन सेम है आओ चेक करते हैं मैंने जस्ट बताया है ड्यू इज इक्वल टू क्या होता है नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स प्लस नंबर ऑफ रिंग्स ठीक है फॉर्मूला भी बता चुकी अब गिनती करो तो एक दो तीन चार पांच छ इसके अंदर छह डबल बॉन्ड है और एक दो तीन चार चार रिंग है तो छह प्लस चार दस ड्यू है यहां से चेक करो एक दो तीन और पाई बॉन्ड यहां से दो दो चार दो तो नौ और एक रिंग दस तो इसका ड्यू दस है यहां से आओ एक दो तीन और यहां से कितने हो गए एक दो तीन चार पांच छ और एक रिंग छह तीन नौ एक दस इसका भी ड्यू दस है यहां से आ जाओ तो कितने पाई बॉन्ड कितने हो गए एक दो तीन तीन यहां से तीन यहां से तीन यहां से नौ और एक रिंग दस इसका भी ड्यू दस है यहां से आ जाओ एक दो तीन और यहां से दो दो चार छ तीन नौ और एक रिंग यहां से ये भी दस है दस 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 पांचों के पांचों जो है इसका मतलब है आइसोमर्स है क्योंकि सब में सेम नंबर ऑफ कार्बन और नाइट्रोजन नजर आ रहा है तो ये सब के सब हम बोल सकते हैं आइसोमेरिज्म आइसोमर्स के ही पार्ट है इनका डिग्री ऑफ अनसेन सेम है तो हाउ मेनी बोला गया था तो पांच के पांच जो है सबका ड्यू सेम है दस डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन है अगर जानकारी हो ना तो सॉल्व करना आसान होता है जानकारी नहीं हो तो चीजें डिफिकल्ट होती चली जाती है क्लियर yes. yes. है बच्चा नेक्स्ट ओके अब नाइनटीन नाइनटी का एक क्वेश्चन है विच ऑफ व्हाट इज द डबल बॉन्ड इंडेक्स डीबीआई ऑफ सिनामिक एसिड एसिड का डबल बॉन्ड इंडेक्स क्या होता है मैं आपको पहले भी बोलता हूं जो कॉमन नेम होते हैं अब सिनामिक एसिड जिनको नहीं पता है, वो गलती कर देंगे बोला OH, है डबल बॉन्ड इंडेक्स तो देखिए कितना है एक दो तीन चार पांच पांच पाई बॉन्ड और एक रिंग पांच प्लस एक इज इक्वल टू छ हो गया देख लो बेंजिन का चार हो गया और दो पा पाइबो चार दो छोटे तो, एसिड का डबल बॉन्ड इंडेक्स छ हो गया बेटा डबल बॉन्ड इंडेक्स या इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डिफिशियंसी या डिग्री ऑफ है ना या सिर्फ हम इंडेक्स भी बोल सकते हैं ये जो चीजें है ना ये सब के सब सेम चीजें होती हैं तो यहां पे आपको सिर्फ और सिर्फ पाई बॉन्ड्स को और रिंग को काउंट करना होता है और कई बार आप फॉर्मूला भी लगाते हैं जो मैंने क्वेश्चन में लगाया था क्लियर है नेक्स्ट ओके okay. अब आता है कि दी करेक्ट नेम ऑफ द गिवन कंपाउंड इज आपको क्या लगता है कि इस कंपाउंड का करेक्ट नेम क्या हो सकता है सोचो जरा सा चलो ऑप्शन मत देखो पहले बनाओ इस कंपाउंड में जो सीनियर मोस्ट फंक्शनल ग्रुप है एल्डिहाइड है तो ऑब्वियस सी बात है ऊपर वाले, वाले, वाले को एक नंबर नहीं मिलेगा इधर सब ज्यादा एक ये लेगा लेकिन अब दिक्कत आती है कि हम क्लॉकवाइज वाइज चले कि एंटी क्लॉकवाइज वाइज चले क्योंकि हमको पता है चार तो यहां पे आना ही आना एक चार तो फंक्शनल को मिलेगा तो अब इसका नाम क्या हो जाएगा सोचो अगर मैं इसका नाम दू वन टू थ्री वन टू डाइमिथाइल प्रोफाइल और इसका नाम दू तो इसका नाम हो जाएगा वन वन डाइमिथाइल प्रोफाइल तो करेक्ट आंसर क्या होगा वन वन डाइमिथाइल प्रोफाइल कितने नंबर पे आएगा दो पे क्योंकि आपको पता है कि प्रोफाइल प्रोफाइल तो सेम है पर यहां पर वन वन है और यहां वन टू है वन वन छोटा सेट है इसीलिए इसको प्रायोरिटी देनी होगी दो तीन चार पांच और छह तो इसका नाम हो जाएगा सबसे पहले देखो ध्यान से इसका नाम होगा टू वन वन डाइमिथाइल प्रोपाइल फिर आ जाएगा हमारे पास छ वन टू डाइमिथाइल प्रोपाइल और फिर आ जाएगा बेंजीन वन फोर डाई कार्बल डी ओके तो देखो मैं सी को देख रहा हूं मेरी नजर सी पे जा रही है टू वन वन डाइमिथाइल प्रोपाइल ठीक है टू वन वन डायमिथाइल प्रोफाइल ये वाला पूरा हो गया फिर आता है सिक्स वन टू डायल प्रोफाइल सिक्साइल प्रोफाइल फिर आता है बेंजीन हां जी बेंजीन जी है और एक और चार पे डाई कार्बन डीहाइट बिल्कुल सही है इसको ऐसा नाम नहीं होता जो डी में लिखा है टू वन वन डायमिथाइल प्रोफाइल सिक्स वन टू डायमि प्रोफाइल वन फोर बेंजलडी हाइट ऐसा क्या होता है कुछ होता है क्या बेंजलडी हाइट का मतलब तो एक बेंजीन के साथ एक एलडी है डाई वाई कुछ है ही नहीं और बेजलडी हाइट वैसे भी परफेक्ट नेम नहीं है कार्बन डिहाइट सबसे बेस्ट है अच्छा और ए में क्या दिक्कत है वन टू पहले आ गया तो गलत है यहां पर भी नंबरिंग गलत है ए रॉन्ग बी रॉन्ग डी रॉन्ग सी इज द करेक्ट आंसर कितना प्यारा प्यारा क्वेश्चन देख रहे हो मैंने बोला ना ब्रनाजा बड़ा यूनिक कोर्स होता है अभी तो शुरुआत है आईयूपीएससी चल रहा भी देखो आगे आगे क्या होता है नेक्स्ट अब आओ अब बोला गया है कि uh, 19 का सवाल है द करेक्ट आईयूपीएससी नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज दिए गए कंपाउंड का करेक्ट आईयूपीएसी नेम क्या होगा अब इसको कैसे किया जाए सोचो जरा सा सबसे पहली चीज तो इस पूरे कंपाउंड में कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है ना तो क्लोरो ना तो एल्काइल ना तो नाइट्रो ना नाइट्रोसो या आ, आपका इथर हो गया इपोक्साइड हो गया सब फंक्शनल ग्रुप के अंदर नहीं आते नॉर्मल सब्टिटेंट के जैसा ये बिहेव किए जाते हैं राइट सो हमको क्या करना है सोचो जरा हम छोटा से छोटा सेट बनाएंगे यहां से चलेंगे तो एक के बाद आएगा तीन और चार पे यहां से चले तो एक के बाद दो यहां से तीन यहां से चार आ गया अब यहां पे ट्विस्ट क्या था आप क्लोरो देख के अल्फाबेटिक सोच लेते और यहां से चलते तो एक दो तीन चार पांच आ जाता तब आपका एक दो और पांच आता पर मैं जो चला इससे एक, दो, और चार अब लिख दो तो दो नंबर पे क्लोरो है ठीक है और एक पे मिथाइल है चार पे नाइट्रो है तो देखो दो पे हो गया क्लोरो एक पे हो गया मिथाइल चार पे हो गया नाइट्रो और पूरा का पूरा, पूरा पेरेंट बेंजीन है तो टू क्लोरो वन मिथाइल फोर नाइट्रो बेंजीन एम एन ओ पी पहले एम से मिथाइल एन से नाइट्रो द यूपीएस नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज इस कंपाउंड का नेम क्या होगा सोचो सबसे सीनियर मोस्ट फंक्शनल ग्रुप कौन है साइनाइड एक इसको देंगे ऊपर जाके फायदा है नहीं अब बोलोगे ओ OH एच दिख रहा है बेटा एक कंपाउंड में एक ही सीनियर फंक्शनल ग्रुप हो सकता है बाकी सब के सब जूनियर है ठीक है सब टी ट्वेंट है साइनाइड एक लेगा ऊपर खाली है तीन पे ओ OH एच है नीचे आ जाओ दो तीन चार पांच और छह तो देखो क्या हो गया दो नंबर पे ब्रोमो हो गया है पांच नंबर पे हाइड्रोक्सी हो गया है ठीक है ना समझ लो दो पे ब्रोमो पांच पे हाइड्रोक्सी और बेंजीन कार्बोनाइट्राइल या बेंजोनाइट्राइल कुछ भी होगा चार पे ब्रोमो गलत है सेकेंड देखो दो पे ब्रोमो ठीक दिख रहा है पांच पे हाइड्रोक्सी ठीक दिख रहा है और बेंजोनाइट्राइल परफेक्ट दिख रहा है कोई ऐसा और है क्या दो पे साइनो गलत छह पे ब्रोमो बाकी सब ऑप्शंस तो बिल्कुल ही गलत हैं सो बी इज द करेक्ट आंसर क्लैरिटी मिल गई सबका क्लियर हो रहा है मजा आ रहा है आ रहा होगा कोर्स ही ऐसा है रुको नेक्स्ट पे आओ फिर बोला गया है टोटल नंबर ऑफ समय एंड लोन पेयर इन साइनो बेंजीन अब हेग्जा साइनोबेजीन में टोटल नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स और लोन पेयर आप सोच रहे ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि अभी देखो पी वाई क्यू देखना फिर तुम बताना कि ऐसा आया भी है या नहीं सी ट्रिपल बॉन्ड एन सी ट्रिपल बॉन्ड एंड सी ट्रिपल बॉन्ड एंड सी ट्रिपल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड बोला गया टोटल नंबर ऑफ सम ऑफ पाई बॉन्ड्स तो तीन पाई बॉन्ड्स यहां हो गए और यहां से दो और छह आए तो दो गुना छह बारह तो बारह बॉन्ड यहां से हो गए हैं आपके पास और तीन यहां से हो गए तो पंद्रह पाई बॉन्ड्स हो गए आपके पास पंद्रह बॉन्ड्स हो गए गिन लीजिए दो पाई बॉन्ड साइनाइड में है तो चारों तरफ छह है तो बारह और अंदर में तीन पाई बॉन्ड है पंद्रह पाई बॉन्ड प्लस बोला गया था लोन पेयर आप बोलोगे लोन पेयर तो नहीं है ना लोन पेयर इसके पास लोन पेयर है यही तो ट्विस्ट था हर एक नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर है तो टोटल मिला के छह लोन पेयर हो गए तो टोटल मिला के हमारे पास 21 सम आ गया 21 जो है बॉन्ड्स और लोन पेयर मतलब डी इज द करेक्ट आंसर आप मुझे पता है आपको पक्का लग रहा होगा ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता आपको मैं बताऊं मेंस तो छोड़िए एडवांस 2013 का सवाल ऐसा है मेंस, मेंस छोड़ दीजिए आईटीजे एडवांस दो में एक सवाल पूछा गया था कि टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो मेलामाइन में कितने होते हैं मैंने ऑप्शन बना दिए ताकि आप सोच सके आप आंसर चेक कर सके तो देखिए मेलामाइन जो है वो होता क्या है आप पॉलीमर में जानते हो ये ऐसा है अल्टरनेट नाइट्रोजन लगे हुए हैं और हर कार्बन के साथ एक एन फिट है इसको बोलते हैं मेलामाइन अब बोला गया है कि बताओ इसमें टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे सिंप्लीफाइड है बस सोचना था देखो यहां से एक दो तीन चार पांच छ आपके पास हर नाइट्रोजन के पास एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन है तो तीन तीन छोड़ टोटल मिला के छह लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहने को तो शायद ही कोई सोच पा रहा होगा कि ऐसा कोई क्वेश्चन पूछ भी सकते हैं जहां लोन पेयर गिनने के लिए दे पाई बॉन्ड्स गिनने को दे हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए दे लेकिन तुम अभी अभी देख चुके हो कम से कम पांच से छह क्वेश्चन तुमको ऐसे मिल चुके हैं इतने इंटरवल के अंदर जहां पर ये चीजें पूछी जाती है बहुत सारे क्वेश्चन जो है पूछे जाने लगे हैं तो जो बेसिक बेसिक चीजें हैं उसको भूलना नहीं है नेक्स्ट हाउ मेनी ओ एच एंड सीओ एच ग्रुप प्रेजेंट इन द एसिड बड़ा प्यारा सा सवाल है बार बार मैं बोलता हूं कि छोटी छोटी चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं टार्ट्रिक एसिड के अंदर पूछा गया है कि कितना ओ OH एच और सीओ एच है ना टार्ट्रिक आपको पता है दो ऑप्टिकली एक्टिव एक मीजो वाला फॉर्म होता है कोई भी ले लीजिए मैं मीजो टाइप का बना लेता हूं यहां से देखो सी ओ एच है यहां से सीओ एच है यहां से एच है यहां से एच है ठीक है आप चाहे तो ऐसे भी बना लेते हैं उससे कोई नंबर गिनने में कोई दिक्कत थोड़ी ना होगी है ना नंबर गिनने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी नंबर गिनिए नंबर पूछा गया है कि इसके अंदर कितने ओ एच OH ग्रुप है तो देखिए दो ओ एच OH ग्रुप है और दो एसिड ग्रुप है तो सेट जो बनेगा वो सी का बनेगा इसके अंदर इस टार्ट्रिक एसिड के अंदर दो दो ओ एच OH ग्रुप और दो दो सी ओ ग्रुप है क्लियर है आप बोलोगे ऐसा पीवाई क्यू है क्या देखो पीवाई क्यू देखो दो और दो एक, दो क्वेश्चन पूछा गया है हाउ मेनी ओ एच ग्रुप आर देर इन ग्लिसरीन ग्लिसरीन में बताओ कितने ओ एच ग्रुप होते हैं आपको पता है ग्लिसरीन या ग्लिसरॉल किसको बोलते हैं इसको बोलते हैं देखना से एक ओएच OH लगा हुआ है यहां से दो ओएच OH लगा हुआ है यहां से तीन ओएच OH लगा हुआ प्रोपेन टू थ्री ट्रायल को बोला जाता है समझ रहे हो? से 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 थ्री पे एक OH है, तो uh, how many OH groups are in glycerin? Glycerin में तीन OH groups होते हैं। हो, लीजिए। फिर से कॉमन नेम फंसा सकता है अब दिस इज नोन एज पिवालिक एसिड समझ लो ट्राइमिथाइल एसिटिक एसिड अब इसका नाम क्या हो गया वन टू थ्री दो पे दो मिथाइल है तो टू टू डाइमिथाइल यहां मैं लिख दे रहा हूं टू टू डाई मिथाइल और एक दो तीन प्रोपेनोइक एसिड टू टू डाई मिथाइल प्रोपेनोइक एसिड इसका करेक्ट नेम है ठीक है समझ में आ रही बात वन टू थ्री टू टू मिथाइल प्रोपेनोइक एसिड बेस्ट नेक्स्ट वाव Wow, wow Again, एक कमाल का question, से सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट किसका होता है बेटा आपको मैं पहले ही बता चुका हूं मेल्टिंग पॉइंट जो होता है ना वो सिस से ज्यादा ट्रांस का होता है तुम जानते हो अगर यहां ग्रुप लगा है जी जी और यहां पे ग्रुप लगा हुआ है जी जी तो होता क्या है कि जो ट्रांस वाले होते हैं ना लगभग में आप देखो लगभग में यह लीनियर के जैसे ही बिहेव किए जाते हैं ट्रांस ये लैटिस में बहुत अच्छे से फिट हो पाते हैं और जो सिस वाला कॉन्फ़िगरेशन होता है ना वो जनरली यू टाइप का या बकेट टाइप का होता है तो अगर हम इसको लैटिस में फिट करेंगे तो मतलब लेस एफिशिएंट लेस एफिशिएंट फिटिंग और पैकिंग यहाँ पे लेस एफिशिएंट फिटिंग या पैकिंग होती है और यहाँ पे क्या होती है ट्रांस में मोर एफिशिएंट पैकिंग होती है मोर एफिशिएंट पैकिंग होती है तो जब इसमें मोर एफिशिएंट पैकिंग होगी तो लेटिस में अच्छे से फिट कर पाएंगे अब आप जरा मुझे बताइए कि इसमें से सिस वाले तो पहले ही गायब हो गए ठीक है अब रहा कॉम्पिटिशन ट्रांस में अब ट्रांस में भी देखो एक डाई क्लोरो है और एक डाई ब्रोमो है तो मास इसका ज्यादा है इसका मोर मोलर मास है मतलब वजन इसका ज्यादा है तो क्लोरो वाला भी अच्छे से फिट होगा ब्रोमो वाला भी अच्छे से फिट होगा लेकिन जो के ब्रोमो का मोलिकुलर मास ज्यादा है क्लोरो वाले कंपाउंड के कंपैरिजन में इसीलिए जो मेल्टिंग पॉइंट हाईएस्ट होगा वो किसका होगा ट्रांस वन टू डाई ब्रोमो इथिन का अगर यहीं पे हम पूछ देते कि बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा किसका होगा और अगर हम इसको लिक्विड फेज में बात कर रहे होते तो लिक्विड फेज में अगर चारों को लेके तब बॉइल करने की कोशिश करें तो सिस वाले का ज्यादा होगा तो जनरल सेंस में बॉइलिंग पॉइंट सिस का ज्यादा होता है क्योंकि वहां पोलैरिटी आती है और मेल्टिंग पॉइंट जनरली ट्रांस का ज्यादा होता है क्योंकि सॉलिड फेज में हम बात कर रहे हैं तो क्रिस्टल में पैकिंग जो होगी वो ट्रांस की अच्छी होगी क्लियर है ना समझ में आ रहा है ना चलिए फिर नेक्स्ट ओके दो क्वेश्चन है एक आईटीज नाइनटीन नाइनटी नाइन का है, है। अपन ट्राई करेंगे इसको बोला गया है वाई ऑर्थो हाइड्रोक्सी इज अ लिक्विड एट रूम पैरा हाइड्रोक्सी बेन्जल्डी बेन्जल्डी हाई, हाई मेल्टिंग सॉलिड एंड द रीजन इज वेरी सिंपल देखो जब हम बात करते हैं ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजलडी में तो ये कुछ ऐसा काम करता है यहां हाइड्रोजन बॉन्डिंग है इसके अंदर जो चीज काम कर रही है वो काम कर रही है इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग एच बॉन्डिंग इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के वजह से इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो एकाएक गिरना शुरू हो जाएगा बिकॉज ये अपने जैसे दूसरे दोस्तों के साथ भाई बंधु के साथ अच्छे से एच बॉन्डिंग नहीं कर पाएगा राइट ठीक है अब हमारे पास आता है पैरा में क्या हो पाएगा है ना जी हाँ आप मेल्टिंग पॉइंट के साथ भी सेम केस लगा सकते हैं यही चीज आप मेल्टिंग और बॉइलिंग किसी के साथ भी लगा सकते हैं अब जब ये पैरा में आके फिट होना स्टार्ट होगा तो मामला बिल्कुल गंभीर है अब देखो यहां से सीओ एच और यहां से ओ OH एच है तो ये इस तरीके से इधर हाइड्रोजन बॉन्डिंग दूसरे मॉलिक्यूल के साथ बनाएगा ये इसके साथ बनाएगा वो किसी और के साथ बनाएगा ये किसी और के साथ बनाएगा और ये सिलसिला चलता रहेगा तो जो पैरा पैराहाइड्रोक्सी बेन्जल्डीहाइड या पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड होंगे वो लंबे लंबे चेन के रूप में लैडर के रूप में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएंगे जबकि ऑर्थो डेरिवेटिव में ऐसा लंबा लंबा चेन नहीं बन पाएगा यही रीजन है कि ऑर्थो वाले जो होंगे वो रूम टेम्परेचर पे बेचारे लिक्विड ही रह जाते हैं और ये लंबे लंबे ये यूनिट्स में एक दूसरे से कनेक्ट हो जाने की वजह से ये एक हाई मेल्टिंग सॉलिड के तौर पे पाया जाता है ग्रेट आप लैंग्वेज में लिख सकते हैं द मॉलिक्यूल दैट विल है डायपोल मोमेंट बताओ डायपोल मोमेंट किसका होगा आप सोच के भी आंसर दे सकते हो इतना भी मुश्किल नहीं है देखो टू टू डायमिथाइल प्रोपेन टू टू डायमिथाइल प्रोपेन कोई पोलैरिटी नहीं है नॉर्मल सा आपको केस नजर आ रहा है कुछ है ही नहीं कुछ नहीं है ना नियोपेंटेन जैसा केस है कुछ भी नहीं है नियोपेंटोन में कोई तरह की पोलैरिटी नहीं है तो जीरो हो गया ट्रांस टू पेंटीन बोला गया है ट्रांस टू पेंटीन है अब देखो यहां से आओ, यहां से से ऐसे करके आओ हाइड्रोजन है और यहां से हाइड्रोजन है ठीक है यहां से गिनो एक दो तीन चार पांच ये हुआ ट्रांस टू पेंटीन अब मुझे बताओ ट्रांस टू पेंटीन में क्या मिथाइल और इथाइल अगर मैं इसी चीज को आपको समझाने के लिए और अच्छे से लिखूं तो आप मुझे बताओ यहां से एच है यहां से एच है यहां से डबल बॉन्ड है यहां से इथाइल है यहां से मिथाइल है एम ई और इटी है अब अगर एमई और इटी खींच रहे होंगे मान लो ये माय uh, बैड so, अगर धकेल रहे होंगे तो ये यह यहां से धकेल रहा है और इथाइल यहां से धकेल रहा है तो क्या एक दूसरे को कैंसिल आउट कर पाएंगे क्या नहीं मिथाइल और इथाइल दोनों का इंडक्टिव अलग अलग होता है तो कैंसिल आउट यहाँ नहीं हो पाएगा तो म्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो हो जाएगा इस वाले केस में ठीक है अच्छा फिर आ जाओ सिस सिग्जीन अब देखो सिस सिग्जीन कुछ ऐसा बनेगा देखो यहां डबल बॉन्ड है ये सिस वाला केस आपको नजर आ रहा है 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब ये क्या कर रहा है यहां से से इस तरीके से धकेल रहा है देखो ये यह, यहां से इस तरीके से धकेल रहा है इस तरीके से धकेल रहा है रिजल्टेंट ऊपर आएगा तो बोला गया दैट विल है डायपोल मोमेंट यस इसमें भी म्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो इसमें भी डायपोल मोमेंट नजर आ रहा है अब आ जाओ टू टू थ्री थ्री टेट्रामिथाइल ब्यूटेन ओके इसमें किसी तरह की पोलैरिटी नहीं है, 0 है तो डी में कोई नहीं है टू टू पोलैरिटी नहीं है और ट्रांस टू पेंटीन के अंदर भी आपको पोलैरिटी दिख रही है बिकॉज मिथाइल और इथाइल है इसी वजह से ये ऐसा होता हुआ नजर आ रहा है सो करेक्ट आंसर इसके दो दो हो गए नाइनटी टू का एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन ओके okay गाइज अब नेक्स्ट लेक्चर की तरफ आते हैं लेक्चर टू यहां से स्टार्ट होता है और आई यू पी ही है यहां पे द पॉसिबल आई यू पी नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज तो ये प्योर लेक्चर टू जो है आपका आई यू पी बेस्ड है अभी जी ओसी भी आएंगे बहुत कुछ आएगा तो द पॉसिबल आई यू पी नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज पहले तो ये देखो इस पूरे कंपाउंड के अंदर क्या किसी तरह का कोई फंक्शनल ग्रुप है मुझे पता है आपका आंसर नहीं होगा कोई फंक्शनल ग्रुप इसके अंदर नहीं है तो हमको क्या करना है लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट्स बनाना है या फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस रूल पे लगाना है देखो अगर मैं ब्रोमो को एक दे देता दे हूं तो फायदा है नहीं अल्फाबेटिकल ट्रैप में मत फंस जाना क्योंकि अल्फाबेटिकली ब्रोमो को एक देंगे तो दो नंबर पर खाली खाली है दोनों तरफ से कह जाए क्लॉक जाओ या एंटी वाइज जाओ तो क्यों ना हम ऐसे स्टार्ट करें यहां से वन यहां से टू यहां से थ्री यहां से फोर यहां से फाइव यहां से सिक्स अब देखो ऐसा करने से ना वन टू थ्री और फाइव का हमारा जो है उसको नंबर मिला जो कि बहुत ही बढ़िया है ठीक है परफेक्ट है अगर हम इधर से चलते हैं इधर से चलते हैं वन टू थ्री तो क्या होता है अल्फाबेटिकल प्रॉब्लम हो जाती क्लोरो को अपन ज्यादा प्रायोरिटी देंगे अब आइए हमारे पास कितने कितने नंबर पे क्या लगा है पांच नंबर पे देखिए ब्रोमो लगा हुआ है फाइव पे ब्रोमो है इसके बाद हमारे पास वन टू डाई क्लोरो है और तीन आइसो है और बेंजीन है देखिए तो यहां से हमारा पांच नंबर पे ब्रोमो है एक नंबर और दो नंबर पे डाय क्लोरो है तीन नंबर पे आइसो है और बेंजीन है ये नाम तो करेक्ट नजर आ रहा है कुछ और देखते हैं अब अगर आप जई एडवांस का एक प्रीवियस का क्वेश्चन देखिएगा तो वहां पे एक ही एरोमेटिक कंपाउंड को एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के हिसाब से नाम दिया गया था है ना अब हम वही करते हैं अगर मैं इस पूरे कंपाउंड को मान लेता हूं कि ये जो पूरा कंपाउंड है हमारा क्या है क्यूमीन है क्योंकि आपको पता है आइसोप्रोपाइल को हम लोग क्यूमीन भी बोलते हैं आइसोप्रोपाइल बेंजीन को तो क्यूमीन है अगर मैं क्यूमीन के हिसाब से चलता हूं तो इसका एक नाम क्या हम क्यूमीन के हिसाब से डिराइव कर सकते हैं हिसा� आओ चेक करें अगर मान लो इसको एक दे दिए इसको दो दिए इसको तीन दिए चार दिए पांच दिए छह दिए तब हमारे पास इसका नाम पांच ब्रोमो दो तीन डाइक्लोरोन हो सकता है तो ऐसा कोई नाम है क्या पांच ब्रोमो दो तीन डाक्लोरोन ये भी पॉसिबल है तीन और चार अब आप बोलोगे सर क्यूमीन हो गया टोलुइन हो गया यस ये भी आई में एक्सेप्टेड नाम है टोलुइन एनिलीन फिनॉल एसिडोफिनोल क्यूमीन ये सब भी एक्सेप्टेड नाम है अच्छा बाकी इसमें तो बहुत गलत है वन ब्रोमो ये तो बिल्कुल गलत है ये गलत है तो करेक्ट आंसर तीन चार हो जाएगा अब देखो तीन और चार वाले कोई ऑप्शन है क्या जी हाँ बी इज द करेक्ट आंसर क्लियर है सबका सबका क्लियर है जब भी आप बेंजीन से नाम लिखिएगा तो आपका ऑटोमेटिकली पहले ब्रोमो आना चाहिए जबकि दोनों में ही गलत है सो so, तीन चार इज द करेक्ट नेम ठीक क्लियर है सबका आई यूपीसी नेम का एक बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन था ठीक है नेक्स्ट पे आइए अब आई टी जेई एडवांस दो का एक मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चन इसके दो आंसर एडवांस ने सही माने थे एक आंसर जिन्होंने इसका आंसर बी -सी दिया था वो भी करेक्ट थे और जिन्होंने इसका आंसर एबीसी दिया था वो भी करेक्ट माना गया था हालांकि जेई के ऑफिशियल आंसर की एबीसी है पर बाद में क्लेम किया जब बहुत सारे स्टूडेंट्स और कोचिंग ने तो बी सी आंसर को भी सही माना गया था मैं बताता हूं क्या है ये तो बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है और इंटरेस्टिंग सवाल है मैं क्या बोलता हूँ वो भी मैं आपको समझाता हूं देखो CL है CH3 है दो चीजें हो सकती हैं पहली चीज तो अगर मैं बेंजीन को पेरेंट मान लू और सी एच थ्री और सीएल से क्लोरो को पहले देंगे क्योंकि सी से स्टार्ट होता है 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो नाम क्या हो जाएगा देखो हमारा इसका नाम हो गया एक नंबर पे क्लोरो और चार पे मिथाइल वन क्लोरो फोर मिथाइल बेंजीन वन क्लोरो फोर मिथाइल बेंजीन सी इज द करेक्ट आंसर है ठीक है अच्छा दूसरा क्या हो सकता है जैसा कि मैंने पिछले वाली केस में पूरा को क्यूमीन मान लिया था वैसे अगर इस वाले पूरे केस में हम इसको मान लेते हैं टोलुइन जो कि माने क्या है ही तो टोलुइन के हिसाब से क्या हो जाएगा चार नंबर पे आ जाएगा क्लोरो अगर टोलुइन लेके चलोगे जैसा कि मैंने बोला हाइड्रोकार्बन का डेरिवेटिव मान लो तो टोलुइन जब इसको बोलेंगे तो एक ये लेगा एक दो तीन चार पांच छे तब हमारे पास हो जाएगा चार नंबर पे क्लोरो तो चार क्लोरो टोलुइन तो बी सी तो पक्का है अब लोगों को दिक्कत क्या आई थी दिक्कत ये आई थी चार मिथाइल क्लोरो ने कैसे मान लिया तो मैं बता रहा हूं उन्होंने क्यों ऐसा किया होगा क्या होगा ऐसा क्यों किया होगा मैं ये बोल रहा हूं मेरे हिसाब से तो आंसर बी सी ठीक है उन्होंने क्या किया है कि जो क्लोरो वाला पार्ट है ना ये क्लोरो और मिथाइल है इस पूरे क्लोरो को इस पूरे कंपाउंड को ही बोल दिया इन्होंने क्लोरोबेंजीन तब उन्होंने क्या किया है एक दो तीन चार पांच छह ले लिया तब उन्होंने चार मिथाइल क्लोरोबेंजीन बोल दिया तो ये भी कहना गलत नहीं होगा एबीसी ऑल्सो हो सकते हैं अभी इसमें क्या है वन मिथाइल है चार क्लोरो ऐसा हम नहीं कर सकते क्लोरो को पहले देना होगा तो डी गलत है तो बीसी जो आंसर है ये एकदम परफेक्ट आंसर है िस के हिसाब से एबीसी वाले भी करेक्ट माने गए हैं तो अकॉर्डिंग टू माई ओपिनियन आप बीसी टिक लगाइएगा बीसी इसका जो है बेस्ट नाम बोला जाएगा ठीक है जब आप एक बार एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का डेरिवेटिव ले लीजिए और नहीं तो आप क्लोडो मिथाइल को आप एक दो तीन चार करके नंबरिंग दे दीजिए ठीक है बच्चा नेक्स्ट ओके अब ये क्वेश्चन बहुत यूनिक है बोला गया है कि दी आई नेम ऑफ द गिवन कंपाउंड इज दिए गए कंपाउंड का आयूपीएसी नेम क्या होगा आप पहले हमको बताओ यहां कहीं भी एसिड दिख रहा है आपको क्या इस कंपाउंड में कहीं भी एसिड है नहीं है एसिड बिल्कुल भी एसिड नहीं है ठीक है अब यहां से आओ तो यहां दो नंबर पे किटोन है यहां से दो नंबर पे किटोन है पर इधर से चले तो इस का भला हो जाएगा एक दो तीन नीचे जाके फायदा है नहीं सिमिलर फंक्शनल ग्रुप दिखने चाहिए चार, और अब बचा एक नंबर पे क्या आपका है हाइड्रोक्सी है और तीन नंबर पे क्या हमारे पास है बताओ हाइड्रोक्सी मिथाइल है तो अब हमको क्या करना है अब बस इसको सोचो जरा कि कहां पे हाइड्रोक्सी और कहा हाइड्रोक्सी मिथाइल है वन हाइड्रोक्सी ये वाला गलत ये वाला गलत ये वाला गलत वन हाइड्रोक्सी ठीक दिखाए तीन नंबर पे अगर मान लो यहाँ सी एच थ्री होता तो मिथाइल सी एच टू बी आर होता तो ब्रोमो मिथाइल सी एच टू एनो टू होता तो नाइट्रोमिथाइल सी एच टू सी एच ओ होता तो फॉर्माइल मिथाइल तो सी एच टू हुए तो हाइड्रोक्सी मिथाइल तो तीन नंबर पे हाइड्रोक्सी मिथाइल हो गया अच्छा छ की पीसी है तो हेक्स आ गया दो नंबर और पांच नंबर पे किटोन है तो टू फाइव डायोन वन हाइड्रोक्सी थ्री हाइड्रोक्सी मिथाइल इज द करेक्ट आंसर क्लियर है सबका क्या सारे बच्चों का क्लियर है देख लीजिएगा सिंप्लीफाइड है फंक्शनल ग्रुप को कम से कम नंबर देना था सब को भी कोशिश कीजिए कम से कम नंबर देने का और जो सब आपको लिखना है वो सही से लिखना है जैसे कि नीचे सी एच टू ओ एच है तो इसको उल्टा बुलटा ना लिख दिया हाइड्रोक्सी ना लिख दिया कुछ ना लिख दिया हाइड्रोक्सी मिथाइल है नाम सीखना पड़ेगा वो पता है तो आपका काम हो जाएगा ठीक है नेक्स्ट अब देखो यहां दो दो क्वेश्चन है एक जेई मेंस 2019 का सवाल है और एक जेई एडवांस 2020 का सवाल है अपन इसको ट्राई करेंगे ठीक है आओ इन द आई यूपीसी नेम द फॉलोइंग कंपाउंड क्या होगा देखो सबसे पहले एसिड सीनियर है वन टू थ्री फोर फाइव तो देखो यहां पर क्या हो रहा है तीन नंबर पे हाइड्रोक्सी है और चार पे मिथाइल है

तो इसमें बोला गया तीन नंबर पे इथाइनाइल होना चाहिए और दो पे हाइड्रोक्सी होना चाहिए यहां से देखो दो पे हाइड्रोक्सी है तीन पे इथाइनाइल इता, इता, नहीं है गलत यहां से अपन आते हैं तो एक दो तीन तीन पे देखो दो पे हाइड्रोक्सी है तीन पे इथाइनाइल है और चार पे होना चाहिए मिथाइल तो चार पे मिथाइल नहीं है गलत हो गया यहां से आइए दो पे हाइड्रोक्सी है पर तीन पे इथाइनाइल नहीं है लास्ट बचाइए चेक करते हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स तो तीन नंबर पे बोला गया है इथाइनाइल होना चाहिए इथाइनाइल है दो पे हाइड्रोक्सी होना चाहिए दो पे हाइड्रोक्सी है चार पे मिथाइल होना चाहिए चार पे मिथाइल है हेक्स हो गया ठीक है तीन पे पे इन हो गया ठीक ठीक है है वन इज द करेक्ट नेम सो so देखो मेन्स का क्वेश्चन और एडवांस का क्वेश्चन ज्यादा मुश्किल तो नहीं था बस पता अगर रूल्स पता है लॉजिक्स पता है नियम पता है तो क्वेश्चंस को बना सकते हो चाहे वो मेंस का हो या एडवांस का हो राइट नेक्स्ट वाओ अमेजिंग क्वेश्चन this is one of the best question ठीक है अभी इसमें बोला गया है कि चूज कीजिए करेक्ट आईयूपीएसी नेम को गिवन कंपाउंड में कि इसका आईयूपीएसी नेम जो है वो क्या हो सकता है सोचो सो so, सबसे पहले तो आप देखो कि हमको फंक्शनल ग्रुप को, को लेके चलना है OH उधर से चलते हैं अगर हम राइट से तो एक पे OH आता है डबल बॉन्ड काफी दूर है एक दो तीन चार पे है इधर से चलते हैं तो एक पे OH आता है डबल बॉन्ड तुरंत मिलता है तो चलो फिर 1 2 3 4 5 6 7 ठीक है परफेक्ट अब आपको देखो यहां आर एस भी किया गया है एंटी क्लॉक है तो एस हो जाता है और ईजेड में क्या करते हैं कि दो सीनियर अगर अपोजिट लगे हुए हैं तो ई e हो गया और दो सीनियर अगर सीआईपी रूल्स से है से सेम साइड लगे हुए हैं तो जेड हो गया अब यही चेक करना है देखो आपको लग रहा होगा ना इ पूछा जाता है क्या जेई मेन्स में अभी देखना पी वाई क्यों समझ में आएगा सो so, बेटा सबसे पहले देखो यहां पे क्या हो रहा है देखो यहां पे सी एच टू ओ एच है और यहां सी एल है दोनों आपको कैसे ग्रुप नजर आ रहे है सीनियर ग्रुप सेम साइड में सेम साइड होने की वजह से ये हो गया जेड अब यहां आओ यहां हाइड्रोजन इधर है और हाइड्रोजन इधर है यहां पे दोनों के दोनों उल्टे हैं ट्रांस तो ये वाला ग्रुप हो गया ई तो एक हुआ जेड एक हुआ ई अब अपन क्या करते हैं लास्ट वाले में जरा घुमा के देखिए तो देखो यहां पे सबसे अब सीआईपी रोल में क्या होता है एक नंबर उसको देते हैं जिसका एटॉमिक नंबर हाईएस्ट होता है एटॉमिक नंबर किसका ज्यादा है सीएल का, OH का? का तो एक लेगा ओएच OH से दो लेगा और ये वाला कार्बन तीन लेगा ये वन ये, टू, ये थ्री. और सबसे जूनियर जो है हाइड्रोजन चार. चार को सबसे नीचे रखो, कुछ करना ही नहीं है दो से होते हुए तीन कैसे घूमे क्लॉक घूमे और क्लॉकवाइज के लिए क्या हो गया आर तो एट वाला आर हो गया तो अब सोचो क्या हो गया तो इसका पहले तो आप निकाल लो कि दो नंबर पे जो डबल बॉन्ड है वो जेड है ती, आ, चार नंबर पे जो डबल बॉन्ड है ई e है और आठ पे आर है तो जेड ई आर जेड ई एस गलत है जेड ई आर सही दिख रहा है ये गलत दिख रहा है ये भी गलत दिख रहा है तो अब इसको चेक करते हैं दो नंबर वाला कार्बन जो डबल बॉन्ड है जेड है सही है चार नंबर वाला जो डबल बॉन्ड है वो ई e है सही है एट नंबर वाला जो आर एस में आया है ये आर गया तो एट आर गया ठीक है यहां तक तो परफेक्ट है अब आइए तीन नंबर और आठ नंबर पे डाइक्लोरो है आ, तीन नंबर पे और आठ नंबर पे ठीक है जी आप यहां तक सही आए हैं फिर है ऑक्टा आठ की पीसी है दो डबल बॉन्ड है ऑक्टा ठीक है दो नंबर और चार नंबर पे डबल बॉन्ड के साथ तो टू फोर डाइन एकदम सही है फिर एक नंबर पे और आठ ओ हो हो एकदम सही नाम है परफेक्ट नेम बी इज द करेक्ट आंसर तो आपको ईजेड चेक करना था आर एस चेक करना था ईजेड हो या आर एस हो दोनों सीआईपी रूल के हिसाब से चेक होता है इस पर मेरी एक्सक्लूसिव वीडियो चैनल पर बनी हुई है उसके हिसाब से हमने चेक किया और सारा का सारा नाम लिख दिया कुछ भी नहीं था सिंप्लीफाइड ठीक है तो चलो नेक्स्ट ओके अब देखो नाम लिया और हाजिर है देखो जेई मेंस 2021 का सवाल इधर ही कुछ महीने पुराना क्वेश्चन है ये कुछ महीने पुराना सवाल है देखो यहां पे ईज़ेड़ वाला पूछा गया आप में से बहुत सारे बच्चे बोलते हैं हमको कि इजट आई में नहीं आता अभी अभी पूछा है कुछ महीने पहले पुराना सवाल दो अब इसका करेक्ट नेम क्या होगा देखो अपन अगर इधर से चलते हैं तो दो पे डबल आ रहा है इधर से चलते दो पे ट्रिपल आ रहा है तो डबल को प्रायोरिटी देंगे एक दो तीन चार पांच छ की पीसी बनी दो पे ब्रोमो है अब देखो इसमें क्या और इसमें सीनियर इसमें देखो यहाँ पे हाइड्रोजन है इसमें जो मिथाइल और ब्रोमो में टॉमिक नंबर बी का हाईर है तो सीनियर ये है और यहाँ हाइड्रोजन और कार्बन में सीनियर ये वाला ग्रुप है दोनों सीनियर क्या है एक दूसरे के ऑपोजिट लगे हुए हैं तो डबल बॉन्ड किस कंफिग्रेशन में चला गया इंजीजन ई वाले फॉर्म में चला गया

दो नंबर पे इन ठीक है का ई हट गया क्योंकि आगे वाई है फोर आईन है करेक्ट सी इज द करेक्ट आंसर सी इज द एब करेक्ट आंसर तो ई जेड आता है ठीक है अभी अभी पूछा गया है कुछ महीने पहले जेई में ठीक नेक्स्ट आई टी जई रुड़की दो हजार एक का सवाल है आई आई टी जई रुड़की दो हजार का सवाल है बड़ा पुराना सा क्वेश्चन इसको अपन ट्राई करेंगे बोला गया दी आई यूपीएससी नेम ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड इज चलिए सही है इधर से अगर चलेंगे तो दो पे ओ एच इधर चलेंगे दो पे ओ है पर डबल बॉन्ड मिल रहा है तो क्यों ना डबल बॉन्ड को लेते चले तीन चार पांच छह सात ठीक है अब देखो सिंप्लीफाइड है आ, यहां मिथाइल और ओ एच में ओएच सीनियर है और यहां हाइड्रोजन और इसमें ये वाला पार्ट सीनियर है अब दोनों के दोनों सीनियर सेम साइड में है इसके वजह से ये हो गया जेड यहां से देखो ये हाइड्रोजन है ये हाइड्रोजन है उल्टा जा रहा है आप उल्टा इसको इसको भी उल्टा सोच सकते हो तो ये वाला जो डबल बॉन्ड आ गया वो ई आ गया है परफेक्ट अब यहां से और नाम लिखते हैं सात के लिए पहले तो आप बताओ इसका नाम क्या हुआ इसका नाम होगा टू जेड और एक दो तीन चार चार ई टू जेड चार ई लो यहीं पे तो खत्म हो गया सवाल ये देखो यहीं पे तो आ गया टू जेड चार ई अब पूरा देखते हैं सात कार्बन है तो हेप्टा दो नंबर पे और चार नंबर पे डबल है तो हेप्टा दो चार है। इसके बाद दो नंबर पे और छह नंबर पे ऑल है।, है, तो है समझ में आ रही बात आपको या नहीं समझ में आ रही तो आ क्लियर हो रहा है तो, तो। देखो क्वेश्चन प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन ही सॉल्व करने के लिए नहीं आएगा तो फिर दिक्कत है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए जरूर आना चाहिए ठीक है नेक्स्ट ओके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं बहुत ही यूनिक सवाल है बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है बोला गया है चूज कीजिए करेक्ट आई नेम जो है इस कंपाउंड का क्या होगा अब देखो नाम लिखते टाइम क्या सोचना है कि यहां दो सीनियर फंक्शनल ग्रुप नजर आ रहे हैं एसिड और आपको पता है कि आई नेमिंग में एसिड टू एसिड जो है वो हमको कम से कम नंबर देना है यही करना है ना एसिड टू एसिड हमको कम से कम नंबर देना है तो अब एसिड टू एसिड कम से कम नंबर देंगे तो ऐसे चलेंगे तो एक से तीन पे आएगा ऐसे चलेंगे तो भी एक से तीन पे आएगा पर ऊपर जाओगे तो चार नंबर पे फॉर्माइल मिथाइल हो जाएगा और ऐसे आओगे तो एक दो तीन चार चार पे ब्रोमो होगा तो हम ऐसे चलेंगे वन, देखना ध्यान से हमको ऐसे ऐसे चलना चलना होगा गिव मी अ मोमेंट अपने को चलना यहां से आओ, वन, यहां से टू यहां से थ्री यहां से फोर यहां से फाइव और यहां से सिक्स सो so, हम क्या कि किएड टू एसिड चले एक से तीन आया चार अल्फाबेटिकली पहले बढ़िया है ब्रोमो आएगा ऊपर से चलते तो हमारा फॉर्माइल मिथाइल आता तो अब देखो नाम में सबसे पहले कौन आएगा चार पे ब्रोमो आएगा तो देखो चार पे ब्रोमो यहां पे दिख रहा है और नीचे भी दिख रहा है दो में दिख रहा है ठीक है चार पे ब्रोमो अब आ जाओ आ, एच से हाइड्रोक्सी होता है और छह नंबर पे ना फॉर्माइल मिथाइल है तो छह पे हमारे पास फॉर्माइल मिथाइल आ गया ठीक है इसके बाद आ जाओ पांच नंबर पे हमको हाइड्रोक्सी दिख रहा है तो पांच नंबर पे हाइड्रोक्सी हो गया इसके बाद आ जाओ बेंजीन है हां जी बेंजीन है और एक तीन पे डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है यस बेंजीन वन थ्री डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है एब्सोल्युटली करेक्ट सो करेक्ट आंसर हमारा सी हो गया समझ में आ रही बात नीचे नंबरिंग गलत है यहां पे तीन पे हाइड्रोक्सी देकर गलत कर दिया है तो करेक्ट आंसर सी हो गया फिर से देखो एसिड टू एसिड कब से कम नंबर देना था अल्फाबेटिकली हमको सोचना था ब्रोमो क्योंकि ऊपर अगर चलते तीन पे तो फॉर्माइल मिथाइल होता बी से ब्रोमो एफ से फॉर्माइल ठीक है नेक्स्ट अब देखो जेई मेन्स का बीस का सवाल है और एक नाइनटी फोर का क्वेश्चन अपन दोनों को ट्राई करेंगे सबसे पहले आइएगा बोला गया है कि दी आई यूपीएस नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज दिए गए कंपाउंड का आई यूपीएससी नेम क्या होगा सोचो जरा तो यहां पे सबसे पहले सीनियर फंक्शनल ग्रुप कौन है आपका एल्डिहाइड है तो एक नंबर ये लेगा उधर जाने पे दो पे कुछ नहीं है इधर जाने पे दो पे नाइट्रो है क्योंकि आप किसी को भी चेक नहीं करना है अब सिर्फ और सिर्फ चेक करना है कि कम से कम नंबर कहां मिले क्योंकि फंक्शनल केवल एल्डिहाइड डी है एक दो तीन चार पांच और छह अब देखो इसका नाम क्या हो गया सोचो जरा नाम क्या हो जाएगा देखो सबसे पहले पांच नंबर पे अमीनो है चार नंबर पे हाइड्रोक्सी मिथाइल है और दो नंबर पे नाइट्रो है और बेनजल है भाई एक ही ऑप्शन तो है पांच अमीनो चार हाइड्रोक्सी मिथाइल टू नाइट्रो बेनजल ठीक है जी हाँ क्लियर है बस छोटा सा क्वेश्चन था नाइनटी का क्वेश्चन देखो बोला गया करेक्ट ऑफ द गिवन कंपाउंड इज अब इसमें सीनियर मोस्ट फंक्शनल ग्रुप कौन है एसिड अब दो रास्ते इधर हाइड्रोक्सी और ब्रोमो अब मत देखने लग जाना कि फंक्शनल ग्रुप ओएच और ब्रोमो में ओएच है नहीं एक बार जब एसिड ले लिया फंक्शनल ग्रुप तो बाकी सब जूनियर है तो यहां से दो तीन चार पांच और छह अब देखो नाम क्या हो गया तो दो नंबर पे ब्रोमो हो गया है छह नंबर पे हाइड्रोक्सी हो गया है ठीक है समझ में आ रही है बात और चार नंबर पे क्या हो गया है फॉर्माइल मिथाइल हो गया है तो अब चेक करो कहां पे है दो नंबर पे ब्रोमो है अच्छा तो दो पे ब्रोमो है चार पे फॉर्माइल मिथाइल है छह पे हाइड्रोक्सी है और बेंजोइक एसिड एसिड आप कार्बोक्सिलिक भी ले सकते थे यही करेक्ट है इसके अलावा कहीं पर भी दो पे ब्रोमो नहीं है आई बात समझ में तो किसी भी कंपाउंड में एक ही सीनियर फंक्शनल ग्रुप होगा बाकी सबके सब जूनियर होते हैं नेक्स्ट ये बहुत ही कमाल का सवाल है बोला गया है चूज कीजिए करेक्ट आई नेम ऑफ द गिवन कंपाउंड को इसे ब्रजा के खास क्वेश्चंस आपको लक्ष्य के दिख रहे हैं ठीक है आओ So, इस कंपाउंड में आपको एक खास नियम को यूज में लाना है जिसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस रूल शॉर्ट में बोला जाता है इसको एफ पी डी रूल अब क्या करें इसके लिए सोचो हम अगर ऐसे चलते हैं तो यहां से एक यहां से दो आता है यहां से चलते हैं, तो एक दो यहां से तीन आ रहा है तो अपन ऐसे चलते हैं तो वन टू तो, थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट इधर से इधर चलने पे आता है दो कॉमा दो ठीक है अच्छा दो दो और यहां से आता है छह छ और सात आता है और अगर हम ऐसे चलते हैं तो देखो क्या आता है एक दो तीन तो दो तीन तीन एक दो तीन चार पाँच छ सात 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 दो तीन तीन सात सात देखो मजे की बात आपको बताता हूँ देखो अभी अगर ऐड करोगे इसको तो क्या हो रहा होगा दो दो चार छह दस सोलह और सात तेईस आ रहा होगा इसको ऐड करो तो दो तीन पांच आठ सात पंद्रह सात बाईस आ रहा होगा तो अगर आप बहुत बड़े फैन हो फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस रूल के नहीं बल्कि लोएस्ट सम रूल के तो आप गलती कर दोगे एक नियम यह भी होता है लोएस्ट सम रूल जो कि डिस्कार्ड कर दिया गया अब यूज में नहीं लाया जाता है पहले कभी यूज में लाया जाता होगा अभी वो आई ने पूरी तरीके से उसको हटा दिया है लोएस्ट सम रूल के हिसाब से ये वाला सही है पर अगर ये लिखोगे तो गलत है करेक्ट जो है वो ये है कैसे पता करते हैं देखो टू टू सिक्स सिक्स सेवन टू थ्री थ्री सेवन सेवन इसको इसको मिलाया दोनों एक जैसा है मैच टाई हो गया इसको इसको मिलाए ये वाला छोटा है जहां पे छोटा आपको दिख जाए मान लो दूसरा भी कॉमन हो जाता तीसरा देखते तीसरा भी कॉमन हो जाता चौथा देखते और सारे के सारे कॉमन हो जाते तो किसी भी तरफ से चल लो तो जिधर से छोटा लो, आपको लोकेंट दिखे ना उसी को चूज करना है तो इसका नाम क्या हो जाएगा इसका नाम हो जाएगा टू टू सिक्स सिक्स सेवन पेंटा टू टू सिक्स सेवन पेंटा तो करेक्ट आंसर ये वाला हो गया सी करेक्ट आंसर ये सवाल एक बहुत बढ़िया कुछ सिखा के जाता है कि समरूल हमको यूज में नहीं लाना है ठीक है नेक्स्ट आईटी 2004 दो हजार चार दो हजार छह का क्वेश्चन है कंपाउंड इज देखो इसमें सीनियर फंक्शनल ग्रुप ओ एच है एक ही है दो तीन चार पांच छह देखो नंबर पे दो मिथाइल है तो थ्री थ्री डायमिथाइल हो गया अच्छा और एक नंबर पे अल्कोहल लगा तो साइक्लोहेक्सेनॉल तो थ्री थ्री डायमि हो गया वन हाइड्रोक्सी लिख के गलत कर दिया है थ्री थ्री द करेक्ट आंसर नेक्स्ट दो हजार छह अब देखो इसमें इंटरेस्टिंग है कोई फंक्शनल ग्रुप तो नहीं दिख रहा पर डबल बॉन्ड को एज ए फंक्शनल ग्रुप यहां ट्रीट करेंगे डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी ज्यादा देंगे डबल को प्रायोरिटी देंगे तो यहां एक यहां से दो यहां से तीन यहां से चार यहां से पांच यहां से छह तो देखो क्या हो गया तो तीन नंबर पे ब्रोमो हो गया एक नंबर पे क्लोरो हो गया ठीक है तो तीन ब्रोमो एक क्लोरो साइक्लोहेक्स वन इन देखो यहां से क्या हो गया आपके पास तीन नंबर पे ब्रोमो है एक पे क्लोरो है साइक्लोहेक्स वन इन है बस और कुछ नहीं करना था ठीक है अब आप बोलोगे तो ब्रोमो को ही एक नंबर क्यों नहीं दे दिया क्योंकि क्लोरो और ब्रोमो में किसको प्रायोरिटी देंगे उससे पहले यह बात डिपेंड करता है कि डबल बॉन्ड को हमको प्रायोरिटी कब देंगे डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी हेलो के ऊपर देंगे हेलो नाइट्रो एल्कोक्सी इन सबके ऊपर राइट right. इसीलिए हमने क्या किया है डबल बॉन्ड को एक नंबर यहां पे दिया है और उस हिसाब से ब्रोमो तीन पे आ गया और अल्फाबेटिकली लिखते टाइम पहले ब्रोमो पहले आएगा तीन ब्रोमो वन क्लोरोसाइक्लोहेक्स वन इन ठीक नेक्स्ट ओ माई गॉड छोटा और एकदम मसालेदार सवाल है अभी बोला गया है कि द लोकेट यूज फॉर द एसिटाइल ग्रुप इन द गिवन मॉलिक्यूल इज इस एसिटाइल को कितना नंबर मिलेगा अब सोचो इसका फंक्शनल ग्रुप कौन सा है अगर आपको लग रहा है कि डबल बॉन्ड है या कीटोन है तो गलत सोच रहे हो यहां पर एक छुपा रुस्तम है है और वो कौन एसिड एनहाइड्राइड ये लेगा एक नंबर अब देखो ऐसे चलें तो एक, दो, तीन, चार पांच पांच पे डबल बॉन्ड आएगा पर ऐसे चलें तो एक दो तीन पे ही डबल बॉन्ड आ गया समझ में आई बात तो एनहाइड्राइड को भी कम से कम नंबर मिल गया वन टू और एनहाइड्राइड को अगर सिर्फ एनहाइड्राइड ही किसी कंपाउंड में हो सीनियर तो वो हमेशा वन टू लेगा तो वन टू ही आया साइक्लिक केस साइकिल केन टू एन हाइड्राइट लेगा अब डबल बॉन्ड तीन आ गया और एस टाइल पांच पे करेक्ट आंसर तो क्या हो गया डी इज द करेक्ट आंसर पांच नंबर मिल रहा है एसिटाइल को समझे तो डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देना था इससे ज्यादा तो सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप को दे दिए प्रायोरिटी वन टू फिर डबल बॉन्ड को देने के लिए हम नीचे की तरफ आ गए अगर डबल बॉन्ड नहीं होता तब हम वन टू थ्री फोर ऐसे भी चल सकते थे ऐसे चल सकते थे समझ में आई बात पर बिकॉज ऑफ डबल बॉन्ड हमने ऐसा किया है सो डी इज द करेक्ट आंसर

इसके बाद सल्फोनिक एसिड को इसके बाद को, इसके बाद एल्डिहाइड को डी इज द करेक्ट आंसर ये डिक्रीजिंग प्रायोरिटी में बता रखी okay, है, है कि सिट्रिक में की लंबाई कितनी होगी नॉर्मल नेम ऑलवेज खतरनाक होते हैं तो सबसे पहले देखो यहां तीन की पीसी बनाओ यहां पर एक ओ OH एच लगाओ यहां से एक सीओ एच लगाओ यहां से एक सीओ एच लगाओ और यहां से एक सीओ एच लगाओ ये वही है जो सिट्रस फ्रूट में लेमन फ्रूट में पाया जाता है अब देखो इसमें पीसी की लंबाई कितनी होगी आपको पता है इसका नाम लिखने के लिए सारे के सारे एसिड नहीं आ रहे हैं तो ऐसे अपन करते हैं टू हाइड्रोक्सी प्रोपेन वन टू थ्री ट्राई कार्बो एसिड तो पीसी की जो लंबाई होती है इसमें तीन कार्बन की लंबाई होती है राइट नेक्स्ट अब आया है कि बताओ कॉमन नेम या कॉमर्शियल नेम जो है बिस टू क्लोरो सल्फाइड का क्या होगा सल्फाइड बोलो तो एस यहां से आ गया और यहां से ऐसे करके सीएल लगा दो यहां से ऐसे करके एक कार्बन दो कार्बन पर सीएल लगा दो यही है हमारे पास बिज टू क्लोरोल टू, टू क्लोरो है सल्फाइड है अब इसको क्या बुलाते हैं इसको मस्टर्ड गैस बुलाते हैं ये वही गैस है जिसका यूज किया गया था वॉर में ठीक है तो ये वर्ल्ड वॉर में यूज की जाने वाली गैस है बड़ी खतरनाक गैस है अगर आप देखिएगा तो इसमें बहुत मतलब अजीब तरह के आ, पड़ जाते हैं स्किन के ऊपर अगर इस गैस के कांटेक्ट में इंसान का स्किन आता है तो डेंजरस कॉमन और कॉमर्शियलोरोल तो सल्फाइड है ये भी एक बड़ा कॉमन आई पीसी का सवाल है ठीक है नेक्स्ट अब बोला गया है कि आई दो का सवाल है दूपीसी नेम ऑफ नियोपेंटेन इज इसको बोलते हैं नियोपेन्टेन अब देखो वन टू थ्री तो टू टू प्रोपेन

इथेनोइल ऑक्सी और इसको क्या बोलेंगे दो कार्बन है इथोक्सी और सीओ को क्या बोलेंगे कार्बोनाइल ये हो गया इथॉक्सी कार्बोनाइल इथोक्सी कार्बोनाइल और ये हो गया इथेनोइल ऑक्सी अब देखो इथे और इथो तो पहले कौन आएगा इथे इसलिए नीचे चलेंगे दो तीन चार पांच तो, तो इसका नाम हो जाएगा थ्री इथेनोएल ऑक्सी फाइव इथोक्सी कार्बोनाइल बेंजीन सल्फोनिक एसिड तो देखो क्या हो गया हमारे पास आ, दो के दो नाम एक जैसे दिख रहे हैं क्या थ्री इथेनोलॉक्सी फाइव कार्बोनाइल बेंजीन सल्फोनिक एसिड मेरे हिसाब से तो दो नाम एक जैसे ही दिख रहे हैं थ्री ऑक्सी फाइव इथॉक्सी कार्बोनाइल बेंजिन एक ही नाम है कोई बात नहीं किसी एक को भी सही मान लो तो यही सही होगा फिर से चेक कर लो तो थ्री ऑक्सी फाइव इथॉक्सी कार्बोनाइल बेंजिन सल्फोनिक एसिड ये दोनों के दोनों नाम सेम टाइप हो गए हैं कोई बात नहीं एक को करेक्ट मान लो ठीक है क्लियर है नेक्स्ट अब अब ऑफ दी फॉलोइंग कंपाउंड हैज रॉन्ग रॉन्ग नेम नेम किसका हो रहा हुआ? सोचो तो यहां पे हम सबसे पहले आते हैं इसमें क्या आपको नजर आ रहा है देखो सीओ है तो ये एक एस्टर का नाम है तो यहां से इथाइल हो गया एक दो तीन चार तो ये हो गया इथाइल तो ये तो करेक्ट नेम है यहां से आ जाओ एक हो गया दो हो गया तीन हो गया चार हो गया थ्री मिथाइल है ब्यूटेनॉल है ये तो करेक्ट नेम नजर आ रहा है यहां से आओ टू मिथाइल थ्री ब्यूटेनॉल है अब देखो यहां से क्या हो गया यहां से अपन लेंगे ऐसे वन टू थ्री फोर तो आपको फंक्शनल ग्रुप को कम से कम नंबर देना है ना तो तीन पे मिथाइल होना चाहिए यहां नाम गलत लिखा हुआ दिस इज रॉन्ग आगे आओ अब इसका नाम देखो वन टू थ्री वन टू थ्री इसको लेके चलते हैं क्योंकि सब पे मिथाइल भी मिल जाएगा चार और पांच तो इसका नाम टू मिथाइल थ्री पेंटेनोन है ये तो 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 करेक्ट करेक्ट नेम नजर आ रहा मिथाइल पेंटेनोन बोला तो बोला गया था रॉन्ग रॉन्ग कौन सा है सी सी इज इज द द आंसर फिर बोला है इनकरेक्ट आई यूपीएससी ने दो हजार बारह का सवाल है अब देखो इसमें क्या करना है अगर हम ऐसे आते हैं वन टू थ्री फोर तो देखो क्या हो गया है तीन नंबर पे मिथाइल है और यहां पर इन्होंने क्या बोल दिया दो नंबर पे मिथाइल थ्री ब्यूटेनोन है तो ये तो इनकरेक्ट है ठीक है दिस इज रॉन्ग होना क्या चाहिए था तीन नंबर पे मिथाइल होना चाहिए था ठीक है फिर आओ इसमें क्या बोला गया टू थ्री डाई मिथाइल पेंटेन अब देखो यहां से एक दो तीन नहीं तो यहां से एक दो तीन चार और पांच तो दो पे मिथाइल है तीन पे मिथाइल तो इसका नाम क्या हो जाएगा टू थ्री डाई मिथाइल हो जाएगा और पेंटेन हो जाएगा तो ये वाला तो करेक्ट नजर आ रहा है इसमें आओ अभी इसमें क्या लिखा है आपको लिख के दिखा रहा हूं सी एस थ्री सी सी फिर यहां से क्या होगा सी एच एच थ्री सी एच थ्री वन टू थ्री फोर और फाइव देखो चार नंबर पे मिथाइल हो गया और पांच के लिए क्या हो गया और टू पेंटाइन हो गया ये भी नाम करेक्ट है आगे आ जाओ यहां से आओ आपको क्या नजर आ रहा है आपको ब्रोमो को पहले प्रायोरिटी देनी है वन टू थ्री फोर दो पे ब्रोमो तीन पे क्लोरो ब्यूटेन ये भी नाम करेक्ट है इनकरेक्ट नेम पूछा गया था तो इनकरेक्ट नेम यही हमको नजर आ रहा है यहां पे थ्री मिथाइल होना चाहिए और टू ब्यूटेनोन होना चाहिए तो नाम गलत लिखा हुआ है सो ए इज द करेक्ट आंसर क्लियर है नेक्स्ट अब बोला गया बी नाइन में करेक्ट नेम क्या संभावित है चलो ट्राई करते हैं बच्चों इसको कैसे ट्राई करें देखो सबसे पहली चीज तो है कि अपन इधर से चलते हैं वन टू थ्री तीन पे आ रहे हम इधर से चलेंगे दो पे ही पहले मिल गया फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन और टेन अब जरा सा चेक करो कहां कहां पे कौन कौन आया है देखो दो नंबर पे मिथाइल है सात और आठ पे मिथाइल है टू सेवन एट लगा दो और डेकेन इसका करेक्ट नाम हो जाएगा टू सेवन डेकेन लेकिन इंटरेस्टिंग बात बताऊं देखो दो सात आठ यहाँ पे आया ना सात दो आठ आठ सोलह आया है तो इधर से चेक करो तो वन टू थ्री फोर तो यहां से आया तीन चार वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन और यहाँ से नौ आया नौ तीन बारह चार सोलह अच्छा इधर भी सोलह आ रहा है दोनों तरफ से सोलह आ रहा है लेकिन हमको चेक क्या करना था उधर से चलना था जिस तरफ से सबसे पहले और जल्दी से सब टी आ जाए तो हम इधर से चले तो दो पे मिथाइल आ गया तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन टू सेवन एट ट्राई मिथाइल द करेक्ट आंसर नेक्स्ट अब देखो 2007 और 2008 में बैक टू बैक दो साल क्वेश्चन पूछे गए लगातार अब देखो इसमें क्या करना है मैं अगर ऐसे चलता हूं एक ही बात यहां तीन पहुंचेंगे एक दो तीन चार यहां से आओ दो तीन चार ठीक है तो हम क्या करें फिर किधर से चले इधर से चलेंगे वन टू थ्री पे भी आ जाएंगे फोर फाइव सिक्स सेवन तो क्या हमारे पास हो जाएगा सोचो हमारे पास हो जाएगा तीन नंबर पे इथाइल और चार नंबर पे दो बार मिथाइल तो तीन इथाइल चार चार डाई मिथाइल और सात के लिए हेप्टेन तो थ्री इथाइल है फोर फोर डाई मिथाइल है हेप्टेन हो गया परफेक्ट आ गया करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ फोर ब्रोमो थ्री मिथाइल ब्यूट वन इन एस चार पे ब्रोमो है और तीन पे मिथाइल है और एक नंबर पे इन है तो आप यहां से चेक करें एक दो तीन और यहां से चार जरा देखे तो चार पे ब्रोमो है ठीक है तीन नंबर पे मिथाइल है ठीक है ब्यूट वन इन है बी इज द करेक्ट आंसर यहां से क्या हो गया वन टू यहां पे दो नंबर पे आ जाएगा दिक्कत है और और तो इधर से अगर चलेंगे तो वन टू और भी प्रॉब्लम है वन पे यहाँ पे आ, ब्रोमो आता हुआ नजर आता तो ये भी गलत हो गया है यहां पर भी गलती है वन टू थ्री फोर तो चार नंबर पे ब्रोमो है और वन टू टू पे ही मिथाइल है तो गलत है यहां से तो बिल्कुल गलत है सो तो करेक्ट आंसर क्या हो गया बी ओके okay गाइस जाते जाते आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दे देना चाहता हूँ जैसा कि आपको पता है कि हमारे दो बैचेस जो हैं सिक्स जुलाई से स्टार्ट हो रहे हैं फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो बैच आप देख रहे हैं ब्रिनांजा बैच है ये वो बैच है जिसका इंतज़ार आपको रहता है और ये एडवांस के लिए एक्सक्लूसिवली आ रहा है और आप जानते हैं कि साल में एक बार ये बैच आता है और मचा के जाता है दो महीने तक ये बैच कम्प्लीट चल रहा होगा आप दो महीने का सब्सक्रिप्शन ले ले सकते हैं कोड आपको पता है आईट इन एक्सप्लेन अगर आप इसको यूज़ कीजिएगा तो जो हज़ार नौ में कोर्स मिलता था अब वो आपको आठ में मिलेगा बहुत ही इंपॉर्टेंट uh, कोर्स आपके लिए होने वाला है तो मेक मिक्स्योर sure आप इस कोर्स को लें इसके अलावा गाइज मैं ये भी बताना चाहूंगा अगर ड्रॉप लेना चाहते हैं तो हमारा दूसरा बैच जो एक्सल बैच है इसने अपनी एक नई टाइप की पहचान बनाई है पिछले तीन चार साल के अंदर एक एक्सक्लूसिव डेडिकेटेड डिटेल कॉम्प्रीहेंसिव कोर्स कवरिंग इंटायर क्लास इलेवंथ है ट्वेल्थ सिलेबस एक्सल बैच है इसके लिए भी आप वन ईयर का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं कोड आईट इन एक्सप्लेन्स है मैंने बता ही दिया है आपको कैसे लेना है प्लस पे ठीक है तो मुलाकात आपसे जल्दी होती है फटाफट हमारे साथ जुड़िए और मचाइए ठीक है थैंक यू वेरी मच